वहीं पर बैठ जाते हैं। बोले पृथ्वी में कितने तीरथ है आपको पता है कितना तीरथ है? बोले 6 अरब तीरथ है। कहते एक अरब कितना होता है? बोलो एक अरब कितना होता है? 100 करोड़ में 1 अरब है। कहते जहां पर कथा हो बोले 600 अरब 600 करोड़ तीरथ उसी घर में उसी स्थान में उपस्थित होते हैं। बोले जहां पर ये श्रीमद् भागवत कथा जहां पर हो, इसलिए साधारण भाग्य से ये भागवत कथा हो नहीं सकती है, बड़े भाग्य से ये कथा सुनने को हमें प्राप्त होता है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित आज जो सौभाग्य हमें मिला है बोले स्वर्गीय सती च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरस। यदि जो श्रीमद् भागवत कथा तो स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी सौभाग्य में भी ये भागवत कथा सुनने को नहीं मिलता है। इसलिए आगे हम लोग श्रवण करेंगे जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी ये परीक्षित महाराज को ये कथा सुनाने जा रहे थे, जितने स्वर्ग के जो 33 करोड़ देवता वो खाली हाथ में नहीं, वो अमृत कलश लेकर के आए। बोले हे सुखदेव गोस्वामी आप परीक्षित को क्यों कथा सुनाने जा रहे हो? बोले इनको श्रृंगी ऋषि ने अभिशाप दिया ना, माता जी किधर ज्यादा बताया था वहीं पर बैठो, इसलिए कहते इनको आप कथा क्यों सुना रहे हो? बोले इनको श्रृंगी ऋषि ने अभिशाप दिया है ना, सप्तम दिवस में तक्षक था उसको दंशन करेगा, इसलिए तो कथा सुनाने जा रहे। बोले हाँ, बोले हम स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के आए, लो ये पूरा के पूरा अमृत कलश ले जाओ और ये अमृत कलश श्री परीक्षित महाराज को मिला दो, परीक्षित महाराज अमर हो जाएंगे, लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत कथा ये हमें सुना दो। लेकिन इसे सुखदेव गोस्वामी बोले को कथा को दो महान, इसलिए कहते मूर्ख देवताओं कहां स्वर्ग कहां भगवान की कथा और कहां ये तुच्छ अमृत है, ये अमृत को तुम कथा को साथ में बराबर करना चाहते हो। ये जो अमृत है उसको उदाहरण देते हैं को कथा को वृतमान, इसलिए ये कथा को उदाहरण दिया सख्या भगवान, लेकिन ये अमृत को उदाहरण दिया को काच। अगर कोई काच के टुकड़ा लाए आपको बोले ये कांच के टुकड़े ले लो, तुम्हारे पास में जो पारस मणि है उस पारस मणि दे दो, अब दे दोगे? बोला आप दे दोगे? इसलिए यह उदाहरण देते हैं जो स्वर्ग का जो अमृत है कभी ये कांच के टुकड़े के बराबर है, लेकिन जो श्रीमद् भागवत कथा है ये भागवत कथा नहीं, कभी ये कृष्ण स्वयं ही ये भागवत रूप धारण करते हुए जगत में आए। एक बार भागवत की जयकार करो, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की, आवाज सही नहीं आ रही, कोई जय कोई हे बोल रहे, जोर से बोलो, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की। इसलिए कहती है भागवत है क्या चीज? बोले कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः कलौ नष्टा दृशमेश पुराणार्कधुनात्। जिस समय भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके जा रहे थे वहां पर श्री उद्धव जी भी वहीं पर थे। उद्धव जी ने कहा प्रभु आप तो ये संसार छोड़ करके जा रहे हो, अभी मैं किसका आश्रय लूं? कृष्ण ने कहा देखो उद्धव मैं तो एक स्वरूप में जा रहा हूँ लेकिन कलयुग में मैं दूसरे स्वरूप में भी रहूंगा। बोले प्रभु कलयुग में आप किस रूप में रहोगे? बोले ये तेन अयम वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षे वर्तते हरि। बोले भगवान कलयुग में ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में ये वांगमय मूर्ति, मतलब भगवान के 8 स्वरूप बताया गया है, मणि से बना हुआ, अष्ट धातु से बना हुआ, जैसे ठाकुर जी है जैसे मन में जो स्मरण करते हैं, तस्वीर में जो देखते हो, मिट्टी में भी ठाकुर देखते हो, रेतियों में भी ठाकुर जी को बनते हुए देखे होंगे,
लेकिन कलयुग में ठाकुर जी किस रूप में आए? बोले ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ ये अक्षर रूप में, ये सप्त ब्रह्म रूप में ठाकुर जी ये भागवत रूप में आए। इसलिए हमारे श्री पुराण कहते हैं बोले पादौ जदियौ प्रथम द्वितीयौ, कहते भागवत में 12 खंड है। कितने स्कंध है भागवत में? 12 स्कंध है। बोले ये 12 स्कंध नहीं, भगवान की 12 अंग है। कहते प्रथम और जो द्वितीय है, बोले ठाकुर जी की बांके बिहारी के 2 चरण है। तृतीय चतुर्थ बोले भगवान की यही उरु है। जो पंचम स्कंध भगवान की नाभि कमल, षष्ठ सप्तम भगवान की 2 भुजाएं हैं, अष्टम स्कंध भगवान की वक्ष स्थल, नवम स्कंध भगवान की कंठ, दसम स्कंध भगवान की मुखारविंद, एकादश स्कंध ठाकुर जी की ललाट और द्वादश स्कंध ठाकुर जी का सर। इसलिए कहते ये श्रीमद् भागवत नहीं, ये कृष्ण स्वयं जीव को कल्याण करने के लिए जब भगवान कृष्ण चले गए ये घोर कलयुग। कहते काल प्यालम मुख ग्रास त्रास निर्नस है तवे, ये काल स्वयं के प्याल बन करके एक अजगर सर्प बन करके जीव को ये ग्रास कर रहा था। लेकिन श्रीमद् भागवत ग्रंथ उदित होकर के जैसे सूर्य उदय होने पर सारे अंधकार दूरीभूत हो जाते हैं, सारे चोर डाकू भय प्रेत भय सब समाप्त हो जाता है, ठीक उसी तरह जब ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ जगत में उदित हुए, जीव के हृदय की जितने अज्ञान रूपी अंधकार को ये भागवत ग्रंथ नष्ट कर देता है। इसलिए यदि ये भागवत नहीं, ये साक्षात भगवान की ये बांगमयी मूर्ति। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं को काच को मणि महान, कहां ये श्रीमद् भागवत को साथ में तुम कहां ये स्वर्ग का अमृत को तुम बराबर कर रहे हो। देखो फिर प्रश्न होता है भैया ये स्वर्ग का अमृत का फिर क्या कोई महत्व नहीं? तो नहीं बड़ा महत्व है, सारा दुनिया कहते स्वर्ग जाएंगे अमृत भी पान करेंगे अमृत को प्राप्त करेंगे। इसलिए भागवत में कथा आती है ये अमृत को प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी 4 अवतार लिए थे। कितने अवतार लिए थे ठाकुर जी बोलो? कितने अवतार लिए थे? क्या क्या बोलो? हाँ देखो हम भागवत में कथा सुनेंगे। देखो ये भागवत आज हम केवल ये भागवत की क्या महिमा है ना, केवल इसी विषय पर हम सुनेंगे। कल फिर आपसे मैं पूछूंगा, देखूंगा कौन मेरे को बोल पाता है। ठीक है ऐसे ध्यान से सुनो, ऐसे नहीं इधर सुनकर इधर निकाल दिया, अच्छे तरह से एक मन से सुनना। कल से हो तो कापी और पेन लेकर के आना, हमारे कृष्णदास प्रभु भी बहुत अच्छी अच्छी बात बताएंगे। हम चाहेंगे 7 में है ना तुम लोग इतने ज्ञानी बन जाओ, इतने ज्ञानी बन जाओ जैसे तुम लोग भी दूसरों को ठाकुर जी कथा सुनाना शुरू कर दो। ठीक है ना? हाँ बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की। इसलिए कहते ये अमृत को पाने के लिए ठाकुर जी को भी 4 अवतार लेना पड़ा। बोले कैसे? आप लोगों को पता होगा जब देवता दैत्यों ने मिल करके समुद्र मंथन किया तभी ये अमृत निकला। इसलिए जब देवता दैत्य मिल करके ये मंदाचल पर्वत को रई बनाने के लिए ला रहे थे, वो बीच में गिरा तो मंदाचल पर्वत इतने देवता दैत्य तो उसमें पीस गए, उनसे लाया नहीं पाया। फिर भगवान हरि को प्रार्थना किया, ठाकुर जी ये पर्वत हमसे उठ नहीं रहा। भगवान ने हरि अवतार धारण करते हुए गरुड़ को पीठ पर रख करके समुद्र को बीच में रखे, ये भगवान की पहला अवतार। दूसरा अवतार है जब समुद्र मंथन हुई, धीरे 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 ये पर्वत धीरे धीरे नीचे चलता गया। फिर ठाकुर जी को प्रार्थना किया तो ठाकुर जी अपना कुर्मा अवतार लेकर के ये पर्वत को पीठ ऊपर में रखे। कितना अवतार हो गया? काल में पूछूंगा देखो तो मैं बोल पाता। और जब समुद्र मंथन हुई फिर भगवान धन्वंतरी ने ये अमृत कलश को लेकर के निकले। कितना हो गया? 3। इतने में अहम पूर्वम
मतलब हमें ये अमृत मिलनी चाहिए। इसलिए दैत्यों ने जोर जबरदस्ती अमृत को छीन लिया। जब छीन लिया, भगवान ने देखा अगर दैत्य लोगों ये अमृत को पान कर लिया तो अमर बन जाएंगे, फिर दुनिया को ध्वंस कर देंगे। फिर भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। अवतार लेकर के उन्होंने क्या किया, अमृत किसको पिलाया, देवता को उन्होंने पिला दिया। बताओ भगवान का, भगवान ने कितने अवतार लिए, 4 अवतार लिए ये अमृत को पाने के लिए। लेकिन स्वर्ग में अमृत कहाँ रहता है, महाभारत में आती है, जहाँ अमृत रहता है भैया उनको पीना कोई साधारण बात नहीं। पहले एक लोहे की चक्र घूमती है, उसको बाद में एक अग्नि चक्र, फिर उसको अंदर में एक काल सर्प बैठा हुआ। इतने चीज को कोई पार करेगा ना फिर अमृत पे हाथ में आएगा, नहीं तो अमृत कोई नहीं आएगा। लेकिन देखो भागवत कथा की महिमा को समझो। अब लोगों ने कभी कुंभ मेला में कभी गए हो, कौन कौन गए कुंभ मेला में, कभी ना कभी इलाहाबाद में, प्रयाग में, कौन कौन गए हो, हाथ उठाओ तो एक बार हाथ उठा मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग होते हैं। लाख लाख लोग होते हैं, 10-10, 15-15 मील पहले गाड़ी बंद कर दी जाती है, चल चल करके जाना पड़ता है। लाख लाख लोग ये कुंभ मेला में होते हैं। पता है कुंभ मेला क्यों होता है, ये कुंभ मेला क्यों होता है पता है तुमको? जिस समय गरुड़ ने अपना माता अदिति को दासी पण से मुक्त करना चाहते थे, उसी समय गरुड़ ने अमृत लाए थे। जब अमृत कलश लाए थे उन्होंने 4 जगह पर उन्होंने अमृत कलश रखा था, एक नासिक, एक प्रयाग, एक इलाहाबाद, एक वृंदावन, ऐसे करके उन्होंने 4 जगह पर रखा था। इसलिए 12 साल के बाद में एक बार ये कुंभ मेला होता है, करोड़ों लोग जाते हैं। लेकिन देखो केवल उन्होंने अमृत कलश रख दिया था इसलिए 12 साल में एक बार कुंभ मेला होता है। लेकिन देखो अमृत कलश देवता लोग को पूरा के पूरा अमृत कलश लाए, बोले लोग पूरा के पूरा अमृत कलश ले लो, परिखित को पिला दो। लेकिन इसकी विनिमय में हमें थोड़ी सी भागवत कथा सुना दो। लेकिन सुखदेव गोस्वामी बढ़ा दिया उनको, तथा देवान जहसा, मतलब उनको खदेड़ दिया, उनको वहां से हंसते हंसते खदेड़ दिया, कथा नहीं सुन सकते हो। लेकिन आज वो श्रीमद भागवत कथा को आज हम सुन रहे हैं, मतलब है हम लोग देवता से भी ज्यादा सौभाग्यवान है, तभी ये भागवत कथा को सुनने का हमें आज मौका मिल जाए। एक बार जय कर दो, बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, कहते स्वर्ग में ये देवता रूप में जन्म लेने पर ही उनके सौभाग्य में भी ये भागवत कथा सुनने को मौका नहीं मिलता है। कहते स्वर्ग की बात छोड़ दो, बोले स्वर्गीय सत्य च कैलासे, कहते ये सत्य लोक में पितामह ब्रह्मा रहते हैं। सत्य लोक इसको कहते हैं, जैसे कहते ना भूर भुव मोह जन तप सत्य, ये जो सत्य लोक ये ब्रह्मांड का सबसे श्रेष्ठ लोक है, ये सत्य लोक है। अगर कहीं ब्रह्मा जी को पता चले ना कथा कहीं हो रही है, क्या होता है, ब्रह्मा जी भी कथा सुनने के लिए कहाँ आते हैं, मरते जगत में। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बोले कथा है तो बेधे भवन Thank you.
कथा होना विधि मतलब ब्रह्मा जी कहते अपना घर को छोड़ करके ये कथा सुनने के लिए दौड़ दौड़ करके आते हैं। आप बताओ हम कहाँ दौड़ दौड़ कर भी जाते हैं, जहाँ ज्यादा पैसा मिले ना। अगर कहीं पैसा इतना ज्यादा करोड़ रुपया लाभ होगा फिर तो हम भागते भागते जाएंगे, तभी तो जाएंगे ना भागते भागते। इसलिए ब्रह्मा जी को पता है जगत में जितने लाभ है, अगर जगत में सबसे बड़े कहीं लाभ होना ये भागवत कथा में जितने लाभ है भैया उतना लाभ और किस चीज में नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी क्या करते हैं अपना घर को छोड़ करके ब्रह्मलोक को छोड़ करके दौड़ दौड़ करके आते हैं। क्या कहते अकेले आते हैं, बोले नहीं वो अपना पत्नी को लेकर के आते हैं, कहते अपना ब्रह्माणी को लेकर के आते, बोले ब्रह्माणी तो भागवत कथा हो रही है इसलिए तैयार रहना। ऐसे नहीं जब मैं तैयारी हो जाऊ बोलना मैं भी श्रृंगार कर रही हूँ, नहीं इसलिए पहले से तैयार रहना। इसलिए कहते ब्रह्मा जी ब्रह्म लोग सभी कथा सुनने के लिए अपना पत्नी को साथ में आते हैं। इसलिए श्री कहते भैया ब्रह्म लोग की बात छोड़ दो, अगर कहीं कथा होना कहते स्वयं शंकर जी वो भी कथा सुनने के लिए आते हैं। इसलिए श्री रामचरित मानस में कहते हैं बोले एक बार त्रेताया जोग माहि, एक बार त्रेताया जोग माहि, सम्भो गए को भजन सिखाए, हुई हम कथा सुनना चाहते हैं। शंकर भी सती को लेकर के इसी मरते जगत में जहाँ अगस्त ऋषि भजन करते हैं, उन्होंने अगस्त ऋषि को पास में आए चरण में बैठ करके उन्होंने ये भगवान की कथा सुने। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, यहाँ पर ना कथा सुनने के लिए देखो कोई अकेले नहीं आ रहे। शंकर जी जब आए अपना सती को लेकर के आए, जब देवता लोग आए ना सब देवियों को लेकर के आए, जब ब्रह्मा जी आए ना वो अकेले नहीं आए, किसको लेकर के आए, ब्रह्मा जी को लेकर के। यहाँ शिक्षा देते हैं कथा सुनने के लिए अकेले बताया गया, देवियां आते अपना देवता को लेकर के आओ और देवता आते हैं ना अपना देवियों को लेकर के आओ। कहते कथा दोनों सुनने के लिए जाओ, देखो क्यों इसका रहस्य समझ लो। जैसे आप भगवान की कथा सुनोगे, कथा में तो बड़ी ज्ञान की बात होता है, ये जीवन क्या है, ठाकुर जीवन क्यों दिया, 84 लाख जन्म के बाद में मिला, ये मानव शरीर नहीं ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, भगवान तो बड़ी कष्ट से ये मानव शरीर दिया और इसी मानव शरीर से ही हम भगवान की भक्ति करके संसार से पार हो सकते हैं। भागवत में तो यही ज्ञान की बात बताई गई ना। आप देखना 7 दिन बाद में मन संपूर्ण परिवर्तन हो जाता है, उनको ये ज्ञान हो जाता है जीवन केवल प्रभु का भजन के लिए और किसी काम के लिए नहीं ये जीवन है। अगर देवियां आई ना मतलब स्त्रियां अगर कथा सुनने आएगी ये ज्ञान होगा, होगा तो क्या करेगा, दिन भर माला लेकर बैठेंगे भजन करेंगे, समय मिले तो भजन करेंगे, टीवी वीवी देखेंगे नहीं, उल्टा पुल्टा काम नहीं करेंगे, कहीं साधु संघों का तो जाए कथा सुनने के लिए जाएंगे। लेकिन अगर पुरुष लोग नहीं आएंगे ना वो क्या बोलेंगे, बोले कौन सा बाबा की चक्कर में पड़ गए तुम, पहले बोलते थे समय होने पर चलो सिनेमा देखने जाएंगे घूमने जाएंगे, अभी तो समय होते बोले वृंदावन चलो नवद्वीप चलो सत्संग में चलो, कौन सी बाबा की चक्कर में तो पड़ गई। लेकिन अगर पुरुष लोग आए ना, अगर पत्नी या नहीं आई फिर पत्नियां क्या बोलेगी, जब पति को समय होगा गीता भागवत लेकर पढ़ेगा भजन करेगा, बोले कोई काम धाम नहीं, जब देखो गीता भागवत लेकर बैठ जाते हैं, कोई काम धाम नहीं,
लेकिन अगर दोनों कथा सुनने के लिए आओ ना, अगर ये दोनों को ऊपर अगर रंग चढ़ता है फिर क्या होगा, वृंदावन में जाओ भाई, नवद्वीप जाओ, कथा में जाओ भैया, चलो हम दोनों चलते हैं कथा सुनने के लिए, हम दोनों चलते हैं। फिर दोनों अगर भजन करोगे ना, गाड़ी दो भैया में चलता है ना, एक भैया में थोड़ी चलती है। इसलिए संसार पति पत्नी दोनों मिल करके जब चलोगे तब तो बढ़िया संसार बनेगा ना। इसलिए भैया बड़े भाग्य से है ना, पति पत्नी कहीं भक्ति करते बड़े भाग्य से करते हैं, साधारण भाग्य से नहीं। इसलिए आप लोग आगे कथा सुनोगे, आत्मा पति का नाम आत्मदेव, पत्नी का नाम धुंधली। पति तो आत्मदेव, आत्मा में जो देवता, आत्मा में जो रमण करने वाले, लेकिन पत्नी कौन बोले धुंधली अज्ञानी है। बड़े भाग्य से कहीं आत्मदेव और आत्मपति मिलती है, बड़े भाग्य से दोनों पति पत्नी भजन करते हो, दोनों को अगर भक्ति में रुचि हो तो समझो हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो दोनों को भगवान की भक्ति में हमारी रुचि है। ब्रज वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कहते भैया अकेला नहीं, दोनों कथा सुनने के लिए जाएगा। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कहते भैया कैलाश की बात छोड़ दो, ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, बोले वैकुंठे नास्ते अमरस, यदि ये वैकुंठ में भी ये भगवत कथा नहीं, भागवत कथा ये वैकुंठ में नहीं है, तो गोस्वामी जी कहते हैं, बोले गाया वो गरोड़ा जहाँ बसा ए समझो हम कितने भाग्यवान हैं। पर कहीं कथा होना, कहते वैकुंठ छोड़ करके गरुड़ जी जब कामभूषण जी कथा करते हैं, कहां पर नीलगिरी पर्वत ऊपर में स्वयं गरुड़ जी वैकुंठ छोड़ कर कहां आता है, ये मर्त्य जगत में कथा सुनने के लिए। इसलिए आप ये चीज को समझो हम कितने सौभाग्यवान। देवताओं को देव लोग छोड़ना पड़ता है कथा सुनने के लिए, ब्रह्मा जी को ब्रह्म लोग छोड़ना पड़ता है कथा सुनने के लिए, शंकर पार्वती को कैलाश लोग छोड़ना पड़ता है, गरुड़ जी को वैकुंठ छोड़ना पड़ता है, लेकिन जम्बूवासी भक्तों को घर छोड़ना पड़ा। तुम्हें कोई घर छोड़े हो? कई घर नहीं छोड़े, लेकिन कथा अमृत स्वयं वृंदावन से बहते बहते हमारी घर को सामने आ गई, अरे हम घर में बैठ ही बैठ कर कथा रुपये अमृत में गोता लगा लिया। ये समझो हम लोग बड़ी सौभाग्यवान हैं जो आज ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए हम उपस्थित हुए। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। बीच बीच में जयकार भी दिया करो, ठीक है ना। देखो इसलिए हम जय देते हैं भगवान की, जो जितने जोर से जय देते हैं ना, ठाकुर को थोड़ी जय, जो जितने जोर से जय देते हैं उसका ही उतना जोर से उतना ही जयकार होता है। ठाकुर को तो जय जय गए हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की, जय जय श्री राधे। इसलिए कहते हैं जो श्रीमद् भागवत कथा है ये साधारण कथा नहीं, ये भागवत क्या है, बोले तमादि देवम करुणा निदानम तमालवर्णम सुहृदावतारम अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतम स्वरूपम।
जो श्रीमद् भागवत बोले तमादि देवम करुणानिधानम, जैसे भगवान कृष्ण कौन है, समस्त कारणों का जो कारण है ये भगवान कृष्ण है, कहते उसी तरह ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ भी समस्त शास्त्र का जो निचोड़ है ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ। इसलिए पुराण में बताए बोले अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपासो वेदार्थ परिवर्तित। बोले जितने वेद पुराण इतिहास महाभारत जितने ग्रंथ है, कहते ये सारे ग्रंथ का जो निचोड़ जो सार है कहते ये श्रीमद् भागवत है। कहते तत् रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रचिकोचित। अगर ये भागवत ग्रंथ का रस को कोई पान कर लियो ना, उसको और किसी रस में उसकी रुचि नहीं रह जाती है, और कोई ग्रंथ सुनने की उसकी बाकी नहीं रह जाती जो ये श्रीमद् भागवत कथा को जो श्रवण कर लेते हैं। इसलिए तमादि देवम करुणा निदानम, जैसे भगवान कृष्ण बड़े दयालु थे ये ग्रंथ भी बड़े दयालु। इसलिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ को बताए कहते निगम कल्प तरूर गलितम बलम, कहते हम लोग ये भागवत कथा नहीं सुन रहे हैं, हम कल्प वृक्षों पर नीचे बैठे। बोले कल्प वृक्ष कहते हैं किसको? बोले कल्प वृक्ष उसे कहते हैं जो मांगो तुम्हें वही मिलेगा। इसलिए पद्म पुराण में बताई जो भागवत कथा है जो साधारण लोग के लिए जिनकी संतान नहीं है पुत्र नहीं है, भागवत ग्रंथ उसको पुत्र भी प्रदान करते हैं, जो अर्थ नहीं उसे अर्थ भी प्रदान करते हैं, जो रोगी उसको निरोग भी प्रदान करता है, जो दुखी उसे सुख भी प्रदान करती है ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ। साधारण रूप में जड़ इच्छा तो अपने आप ये पूरी कर देती है, लेकिन उन्होंने जीव को भगवत प्राप्ति भगवत प्रेम भी ये भागवत ग्रंथ से ही जीव को प्राप्त होता है। इसलिए जैसे भगवान बड़े दयालु है तो उनकी अभिन्न मूर्ति श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, इसलिए ये भागवत ग्रंथ भी ये बड़े दयालु ये भागवत ग्रंथ है। इसलिए बोले श्रुत अनुपठित ध्यात आदृत अनुमोदित सत्य पुनादि सद्धर्मम जानती विश्व द्रोहो अभी। इसलिए देखो भागवत की कितने महिमा। बोले श्रुत अगर कोई कथा को सुने उनको तो कल्याण कल्याण है ही। बोले अनुपठित अगर भागवत ग्रंथ कोई पढ़े, अगर ये भी नहीं हो अगर कहीं कथा हो रही है बोले आदरित वा अनुमोदित, अगर किसने आदर कर दिया कथा हो रही है बहुत अच्छी बात है, कोई अनुमोदन अगर कर लिया बोले बहन तू कथा सुनने चली जा घर का काम काज मैं ही कर ले तू चले जा, अगर इतना कोई बोल देना कि तो व्यक्ति विश्व द्रोह क्यों नहीं किया, देव द्रोह क्यों नहीं किया, बड़े से बड़े पाप व्यक्ति क्यों नहीं किया। बोले सत्य अपराधि सब धर्मम, उसी समय में ही समस्त पाप से मुक्त होकर के जीव भगवत भक्ति धर्म में भगवत चरण को जीव प्राप्त कर लेता है। इसलिए जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है बड़े दयालु है। अगर कोई भव सागर से पार होना चाहते हैं, भव समुद्र से अगर कोई पार होना चाहते हैं, कहते भैया सबसे सरल उपाय क्या, कहते भव सागर मतलब क्या है, संसार में जो दुख कष्ट है, जैसे कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई सास, जो दुखी दुखी जो संसार रूप में जन्म मृत्यु जरा व्याधि जितने दुख कष्ट हैं, तद अगर इससे कोई पार हो करके परम शांति प्राप्त करना चाहते हैं, कहते सबसे सरल उपाय क्या है, बोले ये श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करो। ये भागवत कथा श्रवण करेगा तो जिस संसार को पार करना बड़ा कठिन है वो अन्याय से ही चलते चलते भागवत कथा सुनते 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 भवसागर को पार हो जाएगा। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कहते बोले परीक्षित तुमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं,
कोई ध्यान ज्ञान तपस्या कुछ भी मत करो, बैठो केवल कथाएं सुन लो, केवल कथाएं सुन लो। कथा सुनते सुनते जब तक तुमको ये अनुभूति नहीं हो जाएगी मैं भवसागर से पार हो गया हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब सचमुच से परीक्षित महाराज केवल कथा सुना और उन्होंने कुछ भी नहीं किए, कुछ भी उन्होंने नहीं किए, केवल बैठी बैठी करके उन्होंने कथा ही सुन लिया। क्या हुआ? कथा सुनने के बाद गोलोक वृंदावन से सुंदर रथ आया, बड़ी सुंदर गोपी मूर्ति धारण करते हुए बैठे और उन्होंने सीधा भगवान के पास में गोलोक वृंदावन पहुंच गए। इसलिए कहते अगर ये दुखमय संसार से कोई पार होना चाहते हैं, कहते कलयुग में सबसे सरल उपाय किया, बोले भागवत सुनो। आप लोग बोलोगे हम तो सुन रहे और तो कुछ कर ही नहीं रहे, आप लोग बोलोगे ना हम तो और कुछ कर ही बैठ कर कथा सुन रहे। कहते यही कलयुग में बहुत बड़े तपस्या है। कथा किसकी सुन रहे हो? ठाकुर को सुन रहे हो ना? जिसकी सुन रहे हो उनको तो चिंता कर रहे हो, उसके ही तो चिंता कर रहे हो जिसके बारे में कथा सुन रहे हो। ये एक बहुत बड़े साधन है। इसलिए परीक्षित महाराज केवल कथा सुनते सुनते ही उनके उद्धार हो गए। सुखदेव गोस्वामी केवल कथा बोलते बोलते उनको उद्धार हो गए। इसलिए बैठ करके सुनना भी एक बहुत बड़ा ये साधन है। इसलिए कहते कि अगर हम भागवत कथा सुनेंगे पर हमको क्या मिलेगा? हम कलयुग का जीव है ना, हम कलयुग का जीव है। जब तक हम देखते नहीं फायदा नहीं होगा, माल नहीं मिलेगा, हम वहां पर बैठेंगे नहीं। सबसे पहले देखेंगे हमारी क्या लाभ है। तब भागवत में श्री राधा रानी कहती हैं अगर कोई कथा सुनोगे ना उसको 8 फायदा होगा। कितना फायदा होगा बोलो जोर से। आज मैं बोलूंगा, कल मैं आपसे सुनूंगा, ठीक है? मन लगा कर सुनूंगा, मैं देखूंगा कौन मेरे को बोल पाते हैं। कथा सुनने से हमें 8 लाभ है। क्या क्या लाभ है मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रही है ये बात? पर राधा रानी कह रही है आश्रीला करते करते कृष्ण रास से अंतर ध्यान हो गए। जब गोपियां ढूंढते ढूंढते कृष्ण मिले ही नहीं, बोले देखो कृष्ण को उनका भजन बहुत प्यारा है, चलो हम सबके सब जमुना किनारा में बैठ कर उनकी कीर्तन करेंगे। जब उन्होंने कीर्तन किया, कीर्तन करते करते श्री राधा रानी कहती हैं, बोले तब कथा अमृता I'm
जब कली युग में श्री चैतन्य महाप्रभु आए ना, तब उन्होंने सब जगह में ठाकुर का नाम प्रचार किया, सबके सब भगवान के नाम को ले लेकर के सब भगवान को धाम में जा रहे थे। जो पाप था, जो कली युग को बड़ा दुखी हो गया, दुखी होकर के ठाकुर के पास में आए, बोले ठाकुर जी आप जगत में ऐसे नाम लाए हो जो तेरे नाम लेते हो वो सागर से पार हो रहे, मेरे तो कोई स्थान नहीं, मेरे कोई स्थान तो ये तुम्हारे को खत्म करते। देखो ठाकुर जी ने क्या बताया, बोले जब कोई भगवान के नाम लेते हैं उसको पाप आकाश में उड़ जाए, ऊपर उड़ जाती है, लेकिन उड़ करके कहीं स्थान होने तो चाहिए बैठने के लिए। बोले कहाँ बैठता है, बोले जो हरिनाम नहीं करते, जो हरिनाम नहीं करते पाप उनका सर पर बैठ जाता है। अभी जैसे हम ताली बजाते हैं, किसी एक संत दूसरे संत से पूछे भैया कहीं भी जाओ, कहीं सत्संग कीर्तन जब होता है दुनिया कहते ताली बजाओ ताली बजाओ, बोले ताली बजाने से होता है क्या, बोले जो ताली बजाते उसको पाप उड़ जाते हैं, तो उड़ तो जाएगी फिर बैठने के लिए तो जगह कहीं चाहिए, बोले कहाँ बैठता है, बोले जो ताली नहीं बजाते, इसलिए सबके सब ताली बजाते हुए सबके सब कीर्तन करते, ठीक है। बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे I'm gonna make it.
महिमा बता रहे हैं। अगर ये भागवत कथा कोई सुनेगा तो उसको 8 लाभ होगा। कितना लाभ होगा? आज मैं बताऊंगा, कल सुनना। फिर राधा रानी क्या कहती हैं? बोले पहला लाभ है, बोले तब कथा अमृता कृष्ण। राधा रानी के हे श्याम सुंदर, तुम्हारी ये कथा नहीं, ये कथा को जो श्रवण करेगा जगत में अमरत्व को प्राप्त करेगा। इसलिए कथा का एक नाम है अमर कथा, क्योंकि शंकर जी ने पार्वती को यही कथा उन्होंने अमरनाथ में सुनाई थी। आपका इधर वैष्णव देवी है ना, वैष्णव देवी का नाम सुने कि नहीं? शंकर जी किसको ये कथा सुनाई थी? ये माता पार्वती को कथा सुनाई थी। इसलिए भागवत का एक नाम अमर कथा। क्यों, किस लिए सुना, किसी कथा सुनाई? बोले एक समय नारद जी वीणा बजाते बजाते कैलाश में पहुंचे। उसी समय श्री शंकर जी गए हुए थे सत्संग में। आपको सब पता है, हम कभी कभी कहते ना, तो क्या नारद जी का काम रोल कर रहे, मतलब क्या झगड़ा लगा रहे हैं? इसलिए नारद जी जब कैलाश में गए, माता पार्वती सब नारद जी को अभ्यर्थना किया, पूजा किया, बैठाया। इतने में नारद जी बोले, माता जी सब ठीक ठाक हो? बोले बेटा तेरे आशीर्वाद से हम सब ठीक ठाक है। बोले कैसे ठीक ठाक है? बोले देखो, वही पत्नी सुहागिनी है जिसको पति प्रेम करता है, इसलिए शंकर जी मेरे को बड़ा प्रेम करते हैं। बोले कैसे प्रेम करते हैं? क्या खाना पीना कपड़ा लता देकर? बोले नहीं, ये तो सांसारिक प्रेम है। लेकिन शंकर कहीं भी कथा सुन करके आते हैं ना, सबसे पहले मेरे को कथा सुनाते हैं। इसलिए आप देखना, जितने 18 पुराण देखोगे ना, कौन किसको कथा सुना रहे, ये शंकर जी माता पार्वती को वैष्णव देव की कथा सुनाते। सारे पुराण शंकर पार्वती का संवाद है। इसलिए शंकर जी मेरे को भगवान की बड़ी प्यारी प्यारी कथा सुनाते। लेकिन नारद जी को तो भागवत कथा सुनाना, भागवत को प्रकट कराना था, हैं? कुछ झगड़ा लगा करके प्रकट करना चाहते हैं। इतने में नारद जी ने बोले, देखो शंकर जी तो तुम्हें प्यार करते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से प्रेम करते, अंदर से नहीं। इतने में पार्वती बोली, नारद जी आगे मत बढ़ा करो, मैंने सुना है तुम जहाँ जाते हो झगड़ा लगा देते हो। भैया हम पति पत्नी तो बड़े आराम से रह रहे, हमारी अंदर में झगड़ा मत लगाया करो, हम बड़े आनंद में रहते हैं। बोले देखो माता जी, मैं सही बता रहा हूँ, मैं गलत नहीं बता रहा, मैं कभी गलत बताता नहीं। बोले इसका प्रमाण क्या है, बताओ प्रमाण। बोले प्रमाण ये है, हम कहते हो ना शंकर जी सारी बात सुनाते। बोले हाँ। बोले देखा शंकर जी गले में एक मुंडक की माला तुमने देखी? बोले देखा है। बोले बता सकता हूँ शंकर जी ये मुंडक की माला किसी को, किसके और क्यों पहनते हैं, बताओ? माता जी तो चुप हो गई। बोले इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ शंकर जी, तुमका अंदर की बात नहीं, ऊपर ऊपर की बात सुनाते हैं तुमको। बोले खैर, बोले देखो जब आज शंकर जी आए ना, एक काम करो, तुम मान भवन में लेट जाओ। अब रामायण सुने होंगे, माता कैकेयी मान भवन में लेट गई थी,
पहले राजा लोग एक मान भवन बनाते थे, अगर रानी अगर मान भवन में चली जाए ना, पता चलता था रानी मान की है। बोले आज तुम जाकर के मान भवन में महिला वस्त्र पहन करके लेट जाओ, जब शंकर जी आए ना उनको 3 बार कसम खिला करके पूछना तभी बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। बास नारद तो झगड़ा लगाई चली गई बातें। जब जा रहे थे इतने में भोले बाबा आ रहे थे, बोले नारद जी थोड़ा रुक जाओ रुक जाओ। बोले आज बड़ा अर्जेंट काम, आज नहीं रुक सकता हूँ। और समझ गए कुछ गड़बड़ी करके गए। जब अंदर में आईना घर में देखा माता जी है नहीं, क्योंकि जब जब शंकर जी आते थे माता पार्वती शंकर जी के चरण धोते थे, चरणामृत लेती थी, शंकर जी को आरती, हमारी भारतीय संस्कृति है पति को परमात्मा मानते इसलिए आरती उतारती थी, और पास में बैठा करके गर्म गर्म रोटी चावल खिलाती थी, कड़म खिलाया करती थी और हवा करती थी उनको। लेकिन आज तो कोई उनको स्वागत करने के लिए कोई है ही नहीं। पूछे भैया माता जी कहाँ गई? बोले पता नहीं नारद जी आकर कुछ बात कर रहे थे, उसको बाद में माता जी मान भवन में चली गई। समझ गए शंकर जी ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके उन्होंने गए। इतने में शंकर जी जाकर जो पार्वती को सर्प शरीर पर हाथ रखना, पार्वती का हाथ वो फेंक दी। बोले भैया क्या बात है, क्यों मान की? बोले आप तो बड़े कपटी हो, आप तो मेरे को ऊपर ऊपर की बात सुनाते, अंदर की बात सुनाते नहीं। बोले भैया कौन सा अंदर की बात? बोले ऐसे नहीं, आप पहले 3 बार कसम खाओ, मैं पूछूंगी। शंकर जी जब 3 बार कसम खाए ना, तो माता पार्वती कहती ये बताओ आप ये गले में जो मुंडे की माला आप किसके पहन रखे और क्यों पहन रखते हो, कभी उसको उतारते हुए मैं दिखाई। तब शंकर जी बोले पार्वती ये तुम्हारी। बोले मेरी मेरी सर तो मेरे शरीर में, तेरी आपकी गले में कैसे आ गया? बोले देखो पार्वती तुमको पूर्व जन्म की बात याद नहीं, पूर्व जन्म में तुम थी सती, तुम्हारी पिताजी ने तुम्हें अपमान मेरे को अपमान की तो तुमने हरिद्वार का जो कनखल है, अब लोग गए हो हरिद्वार में कनखल में, वहीं पर तुमने शरीर को त्याग दी थी। बोले एक जन्म नहीं, तुम कितने जन्म से शरीर त्याग दे रहे हो, अब बड़े तुम बड़ी मेरी बड़ी प्यारी हो, जब जब तुम शरीर त्याग देती हो तब तक मैंने तुम्हारी सर को मैंने माला रूप में धारण करके गले में धारण कर लेती हूँ। पार्वती बोली प्रभु मैं तो पहले सोच रही कि आप कोई छोटे मोटे कपटी होगे, अभी पता चला आप बहुत बड़े कपटी निकले। बोले कैसे? बोले आप ऐसे कौन सा अमर बोटी को आपने पान किया, मर नहीं रहे हो, अब मैं मरती जा रही हूँ, अब ऐसे कौन सा अमर बोटी को पान किया? देखो शंकर जी क्या कहते हैं। बोले पार्वती जब से मैंने ये श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमर बोटी का मैंने पान की तब से मैंने अमरत्व प्राप्त किया। पार्वती कहती है प्रभु आप मेरे को ये अमर कथा मुझे भी सुना दो, मैं मरती जा रही हूँ आप मर ही नहीं रही हो, फिर दोनों अमर बन जाएंगे, फिर आनंद में रहेंगे। बोले पार्वती ये कथा को सब नहीं सुन सकते हैं, जिनको करोड़ों करोड़ों जन्मों का कोई पुण्य उदय होगा वही केवल सुन सकते हैं। इसलिए शंकर जी पार्वती को फिर कहते हैं, बोले अति हरि कृपा जा पर होई, 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 शंकर जी कहते पार्वती। देखो शंकर जी कितने महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जो कथा सुनने के लिए आते हैं वो कितने पुण्यवान। देखो कहते अति हरि कृपा जा पर होई, पार्वती जिसको ऊपर में ठाकुर पर डायरेक्ट कृपा हो जाए ना, बोले पाप दही यह संगत सो। इसलिए आप तो यही सर अति कठिनाई पार्वती, यहाँ पर सब नहीं आ सकते हैं, इसलिए राम कृपा बिनो पाए न जाई,
जब तक भगवान की कृपा नहीं हो पार्वती, ये कथा बताने में रुचि नहीं होगी। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती सतसंगति दुर्लभ संसारा, ये संसार में जो सत्संग जो कथा पार्वती बड़ा दुर्लभ है। पार्वती कहते दुर्लभ कहाँ थे, देखो भागवत कथा हो रही ना, मेरे जो घर में भागवत कथा हो रही थी। इसलिए शंकर जी को पूछे आप कहते बड़ा दुर्लभ, ये तो सुलभ है, लेकिन शंकर जी कहते पार्वती सब लोग नहीं आए यहाँ पर। अगर पता चले यहाँ पर सलमान खान आ रहे हैं, हाँ नहीं तो यहाँ पर अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, यहाँ पर हेमा मालिनी आ रही हैं, अगर पता चले तुम्हारी जम्मू में आ रही हैं, लोगों को बुलाने की जरूरत है, बुलाने का जरूरत पड़ेगा। देखना लाख लाख लोग इतने आ जाएंगे, प्यार रखने की जगह नहीं मिलेगी, हैं प्यार रखने की जगह नहीं मिलेगी अगर पता चली जाए। लेकिन शंकर जी कहते पार्वती अगर इसको भागवत कथा में बुलाओ तो इतने बहानाबाजी मारेंगे, ये हो गया वो हो गया काम पड़ गया था, लेकिन कोई हीरो हीरोइन आ गया जिनका चरित्र भ्रष्ट है, जिनको मुंह देखने से पाप लगेगा, चरित्र भ्रष्ट लोग को उनको देखने के लिए पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे, निमंत्रण देने का जरूरत नहीं। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती आप यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनो आई न जाए। जब तक ठाकुर का कृपा नहीं होगा ना, पार्वती शंकर जी कहते पार्वती वहां को नहीं आएगा। बोले कौन आता है, उदाहरण देते हैं, जैसे आपके घर में शादी हो रही है, आप बताओ वो शादी में कौन आएगा, आप जिसको निमंत्रण दोगे वही तो आएगा ना। लेकिन अगर वो अमेरिका में क्यों नहीं हो, लंदन में क्यों नहीं हो, फ्रांस में क्यों नहीं हो, अगर आप इसको निमंत्रण दोगे ना वो आएगा। लेकिन आपके घर को पास में अगर कोई व्यक्ति हो, अगर आप उसको निमंत्रण नहीं दोगे तुम्हारे घर में आएगा, शादी में आएगा, वो आएगा नहीं, क्यों आप उसको निमंत्रण नहीं दिए। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती ये भगवत कथा में कौन आ सकता है, ठाकुर जिसको निमंत्रण दिया। जैसे भगवान कृष्ण जब बंसी बट को नीचे उन्होंने बंसी ध्वनि की, ब्रज में कितने लोग थे, उनकी सखा सखी जसोदा कितने लोग थे, लेकिन आए कौन वहां पर, आए कौन, कृष्ण जिसको बुलाना चाह रहे थे, किसको कृष्ण जिसको बुलाना चाह रहे थे, कृष्ण अपना केवल गोपियों को बुलाना चाह रहे थे, इसलिए केवल ब्रज गोपियां आई और कोई नहीं आई। जब आए ना ठाकुर जी कहते स्वागत महाभागा, कह तुम लोग बड़े धनी भाग्यवती हो, मैं तुम सबको में स्वागत करता हूँ। इसलिए जो व्यक्ति भागवत कथा में आते हैं ना, ठाकुर जी सबको स्वागत करते हैं। और आप लोग ने अभी तो बुलाने का जरूरत नहीं, फोन करता आ जाते हैं, फोन कर दो पता चल जाते नहीं कौन व्यक्ति हमने फोन किया है। समझा ठाकुर जी जम्मू में तो बहुत लोग हैं, लेकिन लगता है ठाकुर जी जिन जिन लोगों के पास में फोन किया ना वही लोग किया है, इसलिए मानो ठाकुर जी तुम्हारे पास में फोन किए हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आप लोग जय कर ना, कोई जय हो रहे, एक बार जोर से बोलो बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की, हाँ पता चल गई कथा हो गई, हरे कृष्णा। इसलिए यहाँ पर शंकर जी है कहते तुमने, शंकर जी बोले पार्वती ये कथा को नहीं सब सुन सकते, पार्वती बोली प्रभु मैं तो सुन सकती, बोले हाँ तुम्हारी अंदर भक्ति है श्रद्धा है तुम कथा सुन सकते, चलो हम तुमको लेकर कहाँ चलते हैं, तुमको अमरनाथ लेकर चलेंगे। और उन्होंने बटबरी के ऊपर नीचे अमरनाथ कोई गए हो, कौन कौन गए भैया, वहाँ पर अभी भी वो स्थान है जहाँ पर शंकर जी पार्वती को कथा सुनाए थे, वहाँ पर भी अभी भी वो स्थान वहाँ पर है, वहीं पर बैठा करके बोले पार्वती तुम हुंकार भरते रहना, मेरे को पता चले कोई कथा सुन रहे हैं। हाँ तब उन्होंने कथा सुनाना शुरू किया, प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद, माता पार्वती हुंकार भर रही थी, बड़ी प्यारी कथा, आगे बोलो क्या हो रही है आगे बोलो, करते करते जब उन्होंने समस्त कथा सुना दी, लेकिन भगवत प्राप्ति की जब उपाय की बात बताने के लिए गई, ज्ञान की बात हो ना सो जाते हैं, सो जाती है मैया पार्वती। उसी वृक्ष के ऊपर में भगवत इच्छा से कोई एक तोता बैठ कर कथा सुन रहा था, वो तोता भी हुंकार भर रहा था, उन्होंने देखा पार्वती तो सो गई, हुंकार भरना बंद हो गया, शंकर जी तो हुंकार भर कथा सुनाना बंद कर देंगे,
इतने में वो भी ओंकार भरना सुन की बोले बड़ी ही प्यारी कथा, आगे की बात बताएं। उसको बाद में क्या हुआ, शंकर तो भोले बाबा सुनाते सुनाते ही जा रहे। इतने में जब कथा विश्राम हो गया, खैर शंकर जी जयकार दिए, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, मैया पार्वती जग गई। बोले उसको बाद में क्या हुआ, बोले कथा तो विश्राम, बोले नहीं मैं तो बीच में सो गई थी, हुंकार तो भर रही थी, बोले नहीं मैं नहीं भर रही थी। शंकर जी ने देखा क्योंकि अमर कथा है, इसको जो सुनेगा अमर बन जाएगा। शंकर जी ने देखा किसने सुना कथा को, आप देखो भगवत गीता आप लोग पढ़ी, भगवत गीता पढ़े होंगे, जब कृष्णा ये अर्जुन को ये ज्ञान की बात बताई ना, कृष्ण कहते अर्जुन ये जो मैंने तुमको ज्ञान की बात बताई, कहते ना अभक्ताय कदाचन, ये अभक्तों को नहीं देना, मना करते हैं। भागवत में भी भगवान कपिलदेव जब अपना माँ को ये ज्ञान की बात बताई, बोले भैया ये ज्ञान की बात सबको नहीं सुनाना, उसी को ही सुनाना जिसके हृदय में मेरे प्रति भक्ति और भाव होना, इसलिए माता जी उसको ही ये ज्ञान की बात बताना, सबको ये ज्ञान की बात नहीं बताना, मना कर देते वहां पर। इसलिए शंकर जी ने देखा ये कथा सुनी किसने, अगर वो अमर बन जाएगा कोई दुष्ट व्यक्ति जगत के लिए हानिकारक है। शंकर जी ने देखा उसी वृक्ष गोबर में एक तोता बैठ कर की कथा सुन रहा है। शंकर जी को तो बड़ा क्रोध आया, त्रिशूल उठाए उसको मारने के लिए पीछा किया, वो तोता उड़ते जाए उड़ते जाए उड़ते जाए, शंकर इसे पीछा नहीं छोड़ रहे थे। करते करते जब उन्होंने बद्री का आश्रम पर पहुंचे, वहां पर भी व्यास देव जी अपना पत्नी पीटका को भी भागवत सुना रहे थे। जैसे कोई कथा आश्चर्य चीज हो ना, हम क्या करते हैं, मुंह खोल कर कथा सुनते हैं, ऐसे ही कथा सुन रहे थी। इतने में तोता वहां पर जाकर के सूक्ष्म रूप धारण करते हुए उनकी गर्भ में प्रवेश कर गया। शंकर जी ने देखा तोता यहीं कहीं गायब हो गया। इतने में व्यास देव जी ने पूछे, भोले बाबा कहां से भागते भागते आ रहे हो, सना शरीरा शरीर से पसीना बह रहा है। बोले बड़ा अनर्थ हो गया। बोले क्या अनर्थ हो गया, बोले एक तोता ने ये अमर कथा सुन ली। बोले अमर कथा सुन ली, बोले अमर कथा का मतलब क्या है, बोले जो सुनेगा वो मरेगा नहीं। फिर आप स्वयं कह रहे हो जो सुनेगा वो मरेगा नहीं, फिर आप पीछे पीछे मारने के लिए क्यों भाग रहे हो। शंकर जी ने देखा भैया बात तो सही है, अभी तक तो ये बात मेरे को याद नहीं था। इतने में शंकर जी ने देखा अगर ये तोता कोई साधारण होता है ना, वो कभी भी भागवत कथा नहीं सुन सकता है, क्योंकि बताया जन्मांतरे भवेद पुण्यम तथा भागवत लभम, कहते करोड़ों करोड़ों जन्म का जब कोई पुण्य उदय होता है तभी ये भागवत कथा कोई सुन सकते हैं, सभी सुन नहीं सकते कथा को। शंकर जी ध्यान लगाए ये तोता कौन है, कथा कैसे सुनी। जब उन्हें ध्यान लगाए ना, उन्हें सब लीला को दर्शन किया। क्या लीला दर्शन की, जैसे भगवान राम जब उन्होंने अयोध्या छोड़कर गए, सबको अयोध्या वासियों को लेकर गए, लेकिन एक व्यक्ति को राम नहीं लेकर गए। आपको बता सकते हैं किसको लेकर नहीं गए, बोलो जोर से, चुप हो गए, बोलो श्री हनुमान को नहीं लेकर गए। बोले क्यों नहीं लेकर गए, बोले अगर हनुमान जी को लेकर जाएंगे फिर बाद में राम भक्ति कौन प्रचार करेगा, इसलिए उन्होंने हनुमान को नहीं लिया। तो उसी तरह जब भगवान कृष्ण वो बोलो को वृंदावन से इसी मरते जगत में आए थे, तो उन्होंने ये तोते को लेकर के आए थे। इसलिए भागवत पढ़ करके देखना, हर जगह पर लिखा हुआ होता है श्री सुक उवाच, श्री सुक उवाच, श्री मतलब श्री राधा रानी, सुक मतलब तोता, कहती है किसकी तोता है, बोले प्रिया सुक श्री वृषभानुजाया, कहते राधा रानी प्रिय तोता है, जिनको राधा रानी स्वयं हाथ में बैठा करके कभी कभी उनको चुम्बन करती थी। हाँ, राधा रानी की समस्त लीला को, जो निकुंज लीला की समस्त लीला को जो दर्शन किए। एक दिन क्या हुआ, राधा रानी उनको अनार के दाना खिलाया करती थी, कृष्ण नाम पढ़ाया करती थी। एक दिन ये तोता राधा रानी के हाथ से उड़ते उड़ते चला गया बरसाना, नंदगांव चला गया।
और एक पेड़ के ऊपर बैठ करके बड़ी सुंदर राधा जी की भजन गा रही थी, बोले राधे का नाम अन बोलो राधे 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 कीर्तन कर रहा था,
कृष्ण बुलाए तो तोता उड़ते हुए कृष्ण को हाथ में बैठ गया। बोले बोलो तो अभी क्या बोल रहा था। उसने चार लाइन की एक संस्कृत श्लोक बोला जिसका मीनिंग है राधा रानी कह रहे हे श्याम सुंदर मेरी जो प्रेम है ना एक दुर्लभ पुरुष अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक वो कृष्ण का प्रति मेरी प्रेम हो गया। लेकिन प्रेम तो कृष्ण का प्रति हो गई लेकिन उनको तो पाना कोई आसानी बात नहीं। अभी वो कैसे मैं श्याम सुंदर को प्राप्त करूं। कृष्ण ने देखा भैया एक तोता होकर के संस्कृत श्लोक बोलता है। उन्होंने एक सोने की पिंजरा बनवाई और तोते को उसके अंदर में धर दिए। इतने में राधा रानी एक सखी थी माधुरी का बोले देखो तो मेरी तोता भी उड़ते हुए चला गया। उन्होंने ढूंढते ढूंढते आकर के देखा नंदगांव में कृष्ण हाथ में बैठा करके अनार के दाना खिला रहे थे और उनको राधा जी के नाम की पाठ पढ़ा रहे थे। इतने को सखी ने बोले श्याम सुंदर ये तोता हमारी किशोर जी की तोता है राधा रानी की तोता ये उड़ते हुए आ गया और राधा रानी इसकी दुख में बड़ी दुखी है ये तोता दे दो। बोले अगर ये तुम्हारी पालतू तोता फिर तुम बुलाओ अगर मेरे हाथ से उड़ते हुए तुम्हारी हाथ में चला गया फिर मैं समझूंगा भैया तुम्हारी तोता तुम ले लो। बोले कृष्णा ये बताओ जगत में इसे कौन सा प्राणी हो जो एक बार तुम्हारे हाथ में बैठ जाए और तुम उसको प्यार दो और इतने सुंदर सुंदर मीठी मीठी उसको आना लगी दाना अंगूर खिलाओ तुमको कोई छोड़ सकता है क्योंकि तेरा नाम ही कृष्ण। कृष्ण मतलब क्या है जो विश्व ब्रह्मांड को अपना तरफ में आकर्षण करते हैं इसलिए उनका नाम कृष्ण है। कृष्ण जो सुंदर है बोले तुमको कोई दुनिया छोड़ सकता है तेरे को। बोले भैया फिर तोता मेरा तुम जाओ। फिर उन्होंने मैया जसोदा को पास में गई बोले मैया हमारी राधा जी की तोता उड़ते हुए आ गया श्याम सुंदर पकड़ लिया ये तोता देना नहीं चाह रहे। बोले कोई बात नहीं कृष्णा जब गैया चराने के लिए जाएगा पीछे से ये तोते को मैं भेज दूंगी। इसलिए कृष्णा जब गैया चराने के लिए जाए बोले तोते को लेकर मैं जाऊंगा। मैया बोले पागल हो गया क्या कहाँ तुम धूप धूप में कहाँ घूमोगे ये तोता मर जाएगा। बोले भैया ये संस्कृत श्लोक बोलता है इतने सुंदर तोता है राधा जी के नाम लेता है। बोले लाला कोई चिंता मत करो तू जा मैं इसको रखा करूंगी। जब कृष्ण गए ना फिर उन्होंने ये तोता को राधा रानी को पास में भेज दिया। इसलिए शंकर जी जब ध्यानस्थ हो गए उन्होंने क्या देखा शंकर जी जब भगवान कृष्ण ये जगत छोड़ करके जा रहे थे ये तोता भी उनको साथ में जाने के लिए तैयार हुआ। कृष्ण ने कहा तोता अगर तुम चले जाओगे फिर मेरी भक्ति को जगत में कौन प्रचार करेगा। इसलिए उन्होंने ये तोते को छोड़ कर गए। ये तोता बड़ा दुखी था। ये घूमते घूमते जब उन्हें कैलाश में पहुंचा ना वहां पर देखा शंकर जी यही भागवत कथा उन्होंने माता पार्वती को सुना रहे थे। फिर उन्होंने सारी कथाओं को सुन करके व्यासदेव की पत्नी के गर्भ में प्रवेश किया। शंकर जी ने देखा यही श्री सुखदेव गोस्वामी बनकर के आएंगे और जगत में ये भक्ति धर्म को ये भागवत धर्म को सर्वत्र ये प्रचार और प्रसार करेंगे। शंकर जी ध्यानस्थ में सब कुछ देख लिया। शंकर जी ने देखा कथा सुनाना सार्थक हो गया क्योंकि यही सुख नहीं जगत में भागवत कथा सुनाएगा। शंकर जी प्रणाम करते हुए परिक्रमा करते हुए वहां से चले गए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो ध्यान देकर सुनो शंकर जी स्वयं कहते हैं पार्वती को पार्वती जब से मैंने ये भागवत कथा सुनी है तब से मैंने अमृत प्राप्त किया। लेकिन ये पार्वती उसको पहले पार्वती कितना बार शरीर छोड़े लेकिन कब से ये पार्वती अमरत्व को प्राप्त की। बोले जब से उन्होंने भागवत कथा सुनी। आप लोग वैष्णव देवी गए हो कौन कौन वैष्णव देवी गए हाथ उठाओ तो सबके सब गई हो। यहाँ पर इतने पूजा क्यों हो रही है इतने पहाड़ ऊपर बैठी सारा दुनिया जा रही है। केदारनाथ देखो कहाँ शंकर जी क्यों कहती है भागवत कथा की महिमा है। जिन जिनियों ने ये भागवत कथा सुने ना वही लोग जगत में अमरत्व को प्राप्त किए। कहते भैया अगर जगत में सबसे बड़ा बनना चाहते हो जगत में अगर अमरत्व तो बनना चाहते हो क्या सुन करके। बोले भागवत कथा सुना भगवान की भक्ति कर जगत में अमरत्व तो प्राप्त करोगे। जैसे हमारी भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन है बोलो कौन है बोलो जोर से अरे जोर से बोलो ना मोदी जी। कितना साल के होंगे
कितना साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बने? केवल 5 साल के लिए। अगर अगली बार नहीं आते तो कोई पूछेगा उनको? अभी जो मुख्यमंत्री होगा तुम्हारी जमलों की कौन होगा? कितना साल के लिए? 5 साल के लिए। अरे सबके सब बदल जाती हैं, लेकिन हनुमान जी को देखो, शंकर जी को देखो, देवी को, ये कब से ये पूजा हो रही है? जब से दुनिया है। इसलिए लेकिन अभी का जो लड़का लड़की है ना, अगर हम बॉलीवुड में जो हीरो हीरोइन बने के सबके सब भैया, अगर हीरो बनना है ना, हनुमान जैसे हीरो बन जाओ, शंकर जैसे हीरो बन जाओ, हीरोइन ही बनना तो मीरा जैसे बन जाओ, पार्वती जैसे बन जाओ, देखना जब तक दुनिया रहेगा तब तक तुम्हारी पूजा होगी। अगर कभी बन सकते हो ना, ये भागवत कथा सुन करके, भगवान की भजन करके जगत में सबसे बड़े बन सकते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद से प्रश्न करते हैं, बताओ तो जगत में बहुत सारे जस है, लेकिन जगत में सबसे बड़ा जस क्या है? कहते अगर कोई भगवान की भक्त बन जाए तो इससे बड़ा जस जगत में कुछ भी नहीं। इसलिए भागवत कथा सुनने का पहला लाभ क्या है? राधा रानी कहती है तब कथा अमृतम। हे श्याम सुंदर, तुम्हारी कथा जो श्रवण करेगा ना, वही जगत में ही अमृत को वही प्राप्त करेगा। कहती है पहला लाभ है, याद रहेगा कि नहीं? कल पूछूंगा मैं सबको, बोलो कथा सुनने का पहला लाभ क्या है? बोलो जोर से। अरे इतना जल्दी भूल गए, फिर कल क्या सुना? बोलो क्या कथा सुनने का? जगत में जो कथा सुनेगा क्या बनेगा? अमर बनेगा, पहला लाभ है। क्या दूसरा लाभ क्या है? बोले तप्त जीवनम। संसार में जो उत्तप्त जीवन है, जो दुखमय जीवन है हमारी है, ये शांत हो जाएगा। हम संसार में सब दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई घन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। संसार में हम थोड़े थोड़े सब दुखी है, लेकिन आप लोग एक चीज पर ध्यान देकर सुना, एक चीज आप लोग ध्यान देकर देखना, जब तक ये कथा में आप बैठे रहोगे ना, ये कथा में जब तक आप बैठे रहोगे, मानो 2-2.5 घंटा कथा में बैठोगे, आप देखना संसार का जितने दुख है सब दुख भूल जाओ। संसार का कोई दुख तुम अभी याद है? कोई दुख अभी नहीं, कोई दुख याद नहीं, लेकिन केवल कथा से गेट से बाहर निकलो, सारे दुख पहाड़ जैसा आकर के सर पर सारे दुख बढ़ जाएगा। घर में जाने पर ये समस्या, घर में ये समस्या, घर में अमुक होने वाले, ये होने वाले, लेकिन आप देख लेना जब तक कथा में बैठोगे ना, सारे दुख को यहाँ भूल कर बैठोगे। इसलिए कहते हैं जो कथा सुनते हैं, जो दुखमय जीवन है ये आनंदमय हो जाता है। इसलिए कहते तीसरा लाभ किया, बोले कभी भी रीतम। कहते कथा को बोलने वाले कौन है? बोले कथा को बोलने वाले साधारण नहीं, सर्वप्रथम ये भागवत कथा किसकी मुंह से निकली? बोले साक्षात भगवान की मुखारविंद से। चतुर्श्लोक रूप में उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया था, यही चतुर्श्लोक ही विस्तृत रूप में ये 18,000 श्लोक बना है, जिसको स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी को दिए, नारद जी व्यास देव को दिए, व्यास देव सुखदेव गोस्वामी को दिए, सुखदेव सुतो गोस्वामी को दिए। ये परंपरा से ही ये भागवत कथा जगत में आ रहे हैं। इसलिए कथा को जो बोलने वाले जगत में, वो साधारण व्यक्ति कोई कथा को बोलने वाले नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जो कथा को सुनाई। बोले जो चौथा लाभ है, बोले श्रवण मंगलम। ये भागवत कथा को जो श्रवण करेगा उसका जीवन में कभी अमंगल नहीं होगा, जीवन में हर समय उसकी मंगल मंगलमय होगा। इसलिए हमारी गुरु जी एक कथा सुनाते थे, ध्यान देकर सुनो, अगर अनजान में तुम्हें पता नहीं कथा पता होता है क्या, लेकिन भूल से कैसे ही कथा में तुम बैठ गए, भूल से बैठ गए, इसकी महत्व सुना हमारे गुरु जी सुनाते थे। बोले एक समय को एक फेरी वाला था, पहले तो ये फेरी वाला घूमते थे, एक दिन करते करते किसी गांव में पहुंचा, वहां पर बोले भैया गांव में कहीं रुक सकता हूँ, कल से यहाँ से शुरू करूंगा। बोले यहाँ पर भगवान के मंदिर में वहीं पर जाकर रुको। जब रुकने गए, गांव का नियम था, सबके सब जैसे शाम को, पहले टीवी नहीं होता था, स्मार्टफोन होता ही नहीं था, हर मंदिर में शाम को इकट्ठे होते थे, यहाँ भागवत होती थी, नहीं गीता होती थी, सबके सब लोग बैठकर कीर्तन करते थे। जब वहां सोने के लिए गए ना, वो गांव के सब लोग आ गए और मजरा मृदंग लेकर के बोले गोविंद जय जय
कीर्तन करना शुरू कर दिया। बेचारा दिन भर काम करते थक गया था, सोचा थोड़ा विश्राम करो। जब सबके सब कीर्तन करे वो कैसे विश्राम कर सकता, वो मजबूर में बैठ करके हाथ में थोड़ा ताली बजाते हुए उन्होंने कीर्तन किया। थोड़ी देर बाद में देखा एक संत आकर के फिर भगवान की सुंदर सुंदर कथा सुनाना शुरू कर दिया। बोले भैया ये आपद फिर कहाँ से आ गया, नींद लग रहा है क्या? इसलिए उसने किया कि दीवार में सहारा दे करके ना, बोले तो किसी तरह से टाइम पास, इससे तो कुछ होने वाला नहीं, बेकार किसी तरह से नंबर टाइम पास हो रहा है। इसी भाव से उसने बैठ कर कीर्तन और एक घंटा कथा सुना। लेकिन जब कथा विश्राम हो गया, सबके सब चले गए, बोले बच गया भैया, तो उसने सो गया। जब सो गया कुछ दिन बाद में इसको मृत्यु हुई। मृत्यु होने पर हम जो कर्म करते हैं काय मन और वाक्य से ही सारी कर्म करते हैं, इसलिए मरते समय तीन यमदूत उसको लेने के लिए आए और उसको जब जमपुरी में ले गए, चित्रगुप्त, चित्रगुप्त मतलब गुप्त मतलब छुपा करके, चित्र मतलब फटो। हम जो कुछ जीवन में कर्म कर रहे हैं ये मत समझो 10 तला बिल्डिंग के ऊपर में हम चारी तरफ में दरवाजा बंद करके कुछ कर रहे हैं, कोई देख नहीं रहे, नहीं, सबके सब फटो हमारे खींच रहे हैं। मरने का बाद सारी काफी निकलेगा, हमने कितने पाप और पुण्य किया सबके सब वही निकलेगी हैं। इसलिए चित्रगुप्त को पूछे भैया बोलो कितने पाप और पुण्य की, बोले इतना झूठ बेईमानी करके पैसा कमाया करता था, इसका तो कोई पुण्य है ही नहीं। बोले भैया देखो थोड़ी बहुत तो कुछ होगा, बोले हाँ एक जगह पर पुण्य थोड़ी सी है, कहीं गांव में पहुंचा था एक घंटा उन्होंने कीर्तन और सत्संग किया था, इतना पुण्य हो कोई पुण्य इसके है ही नहीं। लेकिन ये जो कथा सुने ना श्रद्धा से नहीं सुना, वो इसी भाव से सुन रहा था कि तो बेकार काम टाइम पास करना है, भक्ति से सुना नहीं भक्ति से। बोले भैया अगर भक्ति से भाव से सुनता तो कुछ तो मिलता, लेकिन ये तो भक्ति से सुना ही नहीं। बोले देख बेटा तू एक घंटा कथा सुनी हो इसलिए तेरे को एक घंटा स्वर्ग मिलेगा और उसको बाद में तेरे को नरक जाना, बताओ दोनों में क्या लोगे? बोले भैया जब नरक ही जाना ही है, हमने सुना स्वर्ग बहुत बढ़िया जगह है। बोले मेरे को एक घंटा स्वर्ग भोगा लो उसके बाद नरक जाऊंगा। उसको जमदूत को भेज दिया तो स्वर्ग एक घंटा भोगा करके वापस ले आना, लेकिन वहां पर चौकीदार था, बोले भैया हमारी आशा में एक घंटा भोगा करके दे देना। लेकिन जब स्वर्ग में गया रंभा उर्वशी मेनका क्या सुंदर सुंदर स्त्रियां, बोले पृथ्वी में जितने स्त्रियां हैं इनकी सुंदरता को एकत्रित करने पर एक स्वर्ग के रंभा उर्वशी को साथ में बराबर, इतने सुंदर स्त्रियां वहां पर, वहां पारिजात वृक्ष सुधर्मा सभा, वहां पर कोई बूढ़ा कोई बूढ़ी नहीं बनते, हीरे जवाहरात से बना हुआ, देख देख कर को स्वप्न देख रहा हूँ ना, सचमुच कोई स्थान है। लेकिन उसको पता कितना समय रहेगा स्वर्ग में, एक घंटा, ज्यादा नहीं। वो घूम करके देख रहा था यहाँ पर क्या किया, लेकिन देखा एक तरफ में कोई भी नहीं जा रही, बोले भैया इधर क्यों कोई नहीं जा रहे? वो वहां जाकर के देखा क्या हो रहा था, भगवान का उपेंद्र वामन देव का छोटे भाई इंद्र का छोटे भाई उपेंद्र यहाँ चतुसन है, वहां पर सात्विक प्रकृति का लोग बैठे हुए, वहां पर भी यही सत्संग वही प्रभु का कीर्तन हो रहा था। उसको याद आया ये चित्रगुप्त ने बताया मैंने कहीं एक घंटा कथा सुनी थी इसलिए एक घंटा स्वर्ग मिला, भैया यहाँ पर भी एक घंटा कीर्तन सत्संग हो रही है, अगर यहाँ एक घंटा सुन लूंगा ना कितना समय होगा, 2 घंटा हो जाएगा। वो गया नहीं वहीं पर बैठ करके ना उनको साथ में गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोलना शुरू कर दिया, वहां पर भी कथा सुनना शुरू कर दिया। लेकिन उसको पता एक घंटा बाद में जाना पड़ेगा। लेकिन जब एक घंटा बीत गया देखा उसको कोई लेने नहीं आ रहे, वो समझ गया ये सत्संग का कुछ महिमा है, वो तो उठाने जम करके बैठ गया। बोले भैया यहाँ से उठना नहीं, उठते ही हमें जमदूत ले जाएंगे, जो ले गए थे उनको बोले भैया हमारे आश्रम में वापस दो। कहाँ गया वो ढूंढा व्यक्ति गया कहाँ, देखा जा करके कथा में बैठा हुआ। देखो जो व्यक्ति भागवत कथा में बैठे हो भगवान ही कथा में बैठे हो पता है कहाँ पर बैठे हो, साक्षात बांके बिहार की गोद में बैठे हो, क्योंकि भगवान और भगवत कथा में कोई भिन्न नहीं है। कृष्ण स्वयं कहते हैं, कृष्ण का जब नारद जी ने पूछा प्रभु कहाँ रहते हो, कृष्ण स्वयं कहते हैं बोले मद भक्ता जत्र गायन्ति
तत्र तिष्ठामि नारद में वहीं पर रहता हूँ, जहाँ पर मेरे कीर्तन सत्संग में वहीं रहता हूँ। इसलिए जो कथा सुन रहे हैं, आप भगवान की गोद में बैठे हो। अगर इसी समय किसी मृत्यु आ जाएगी ना, आप देखना जब तक यहाँ पर आप बैठे रहोगे, ये जमदूत यहाँ भटक नहीं सकते हैं। यहाँ से उठने का बात तुम ले सकते हैं, जब तक बैठे रहोगे यहाँ से आ ही नहीं सकते कभी जमदूत, क्योंकि भगवान की तुम ठाकुर जी की गोद में बैठे हुए हो। वो आए लेकिन ये देखा वो तो बैठा हुआ कथा में, कीर्तन में बैठा हुआ। उनने जा करके बोल दिया, भैया उसको हम नहीं ला सकते, वो तो कीर्तन कथा में बैठा हुआ है। बोला भैया ये तो बड़ा चालाक निकला, ये तो बड़ा चालाक, दो घंटा बैठे उठेगा लेकिन उठा ही नहीं। वो लास्ट में उसको वापस जाना पड़ा, लेकिन ये कथा सुनने का देखो महत्व तो किया है। बोले श्रीनतां श्री कृष्णम कथा पुण्य श्रवण कीर्तन। जो व्यक्ति ये कथा सुनते हैं, बोले विधुनति सुहित सताम, जैसे कथा किधर से सुनते कानों में, मानो कानों में कथा नहीं, भगवान ही तुम्हारी कानों को अंदर में हृदय में जाते हैं कथा रूप में। उदाहरण देते हैं, अगर तुम्हारी कोई प्रिय कोई बंधु तुम्हारे घर में आए, देखा कोई चेयर पड़ा हुआ लेकिन धूल जमा हुआ, तुमको ये नहीं बोलेंगे ये धूल को तुम साफ कर बैठता बैठोगा, वो क्या करेगा अपना रूमाल निकाल कर साफ कर खुद बैठ जाएगा। उसी तरह जो व्यक्ति कथा सुन रहे हैं, आपको कानों के माध्यम में भगवान हृदय में जा रहे हैं। अगर हृदय में कोई काम क्रोध होगा ना, ठाकुर जी अपना रुमाल निकाल कर साफ करके ठाकुर जी बैठ जाएंगे। वहीं पर बैठ बैठ कर वो व्यक्ति कथा सुनते सुनते हृदय निर्मल हो गया, भगवत धाम से रथ आया, रथ में बैठ करके सीधा ठाकुर के पास में गए। और जमदूत इंतजार करते करते वापस आ गए। देखो ये अनजान में जैसे आ गए, किसी बच्चे को बता नहीं ये आग, अगर हाथ देखा तो जलेगा कि नहीं, हाथ बोले जलेगा कि नहीं, उसको पता नहीं है जलेगा। जैसे बीस है, अनजान में तुमने कोई बीस पी लिया, उसका रिएक्शन होगा कि नहीं, बोलो होगा कि नहीं, होगा है ना। इसलिए ये भगवत कथा, इसलिए राधा रानी कह रही है श्रवण मंगलम। भैया अनजान में भी भागवत कथा में बैठी गई ना, इसकी मंगल मंगल होने वाले, अमंगल तुम्हारी होने वाले। श्रवण मंगलम बोले श्री, श्री मतलब शोभा, श्री मतलब ऐश्वर्य, श्री मतलब लक्ष्मी। कहते जो भगवान की कथा सुनेगा जीवन में ऐश्वर्य शोभा लक्ष्मी भी उसको घर में भरपूर आएगी। लक्ष्मी कहाँ रहती है, नारायण के पास में रहती ना, इसलिए उसको सब चीज घर में बढ़ो। तो कहते दा, दा मतलब होता है खंडयती, संसार का बंधन भी नष्ट हो जाएगी। और राधा रानी कहती हैं जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है, लेकिन जगत में सबसे बड़ा दान क्या है, और ये जो भागवत कथा जो दान देते हैं, जो कृष्ण कथा को दान देते हैं, इससे बड़ा दान दुनिया में कुछ नहीं। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की जय। जय श्री राधे। कृष्णदास प्रभु जी, कृष्णदास प्रभु जी आ जाओ प्रभु जी। कहते जो भागवत की जो महिमा है, कहती ये दो पुराण में आती है, एक पद्म पुराण में और एक स्कंद पुराण में, दो पुराण में कथा आती है। इसलिए जो पद्म पुराण की जो कथा है, बोले सचिदानंद रूपाय विश्व प्रत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय भयम् नमः। जब श्री गोस्वामी उनके मंगलाचरण करते हैं, बोले हम सबके सब ठाकुर जी के चरण में प्रणाम करते हैं। बोले किसके चरण में, बोले सचिदानंद रूपाय, जिनका जो स्वरूप है सत चित और आनंदमय, जो सत्य स्वरूप, जो ज्ञान स्वरूप, जो आनंद स्वरूप, कौन है जो भगवान है, कौन, बोले श्री कृष्णाय। बोले केवल कृष्ण को चरण में नहीं, श्री मतलब श्रीमती राधा रानी के चरण को साथ में, राधा जी को साथ में, हम सबके सब श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम करते हैं। इसका मतलब है हमें अकेले कृष्ण को पूजा नहीं करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए राधा जी को साथ में, कृष्ण को पूजा करनी चाहिए।
अकेले कृष्ण को पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं अकेला माधव पूजय सो अज्ञानी, जो अकेले कृष्ण को पूजा करते हो अज्ञानी है। बोले भगवान के चरण में श्री कृष्णाय भयम नमः, भगवान के चरण में नमः मतलब क्या, नमस्कार करते हैं हम ठाकुर जी के चरण में सबके सब जुगल सर बैठे। बोले जुगल सरकार के चरण में हम प्रणाम करते हैं। बोले भैया इनके चरण में प्रणाम करने से क्या होता है, क्या ठाकुर जी के चरण में अगर प्रणाम करेंगे तो क्या होगा? बोले आपने छह चीज लाभ होगी। कितना चीज लाभ होगा, कितना चीज होगा, जोर से बोलो क्या क्या? कहते सत चीत आनंद। जैसे ठाकुर जी सत चीत आनंद है ना, एक दिन तुमको भी ये सच्चिदानंद की प्राप्ति होगी, तुम्हें भी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी, तुम्हें भी एक दिन वो आनंद का प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति ठाकुर का चरण में शरणागत और ताप त्रय विनाशाय, जगत में आओ तीन तरह का दुख सबको भुगतना पड़ेगा। जैसे मानसिक कष्ट है, ये ऐसे के कष्ट है ना जिसका कोई दवा नहीं है, सबका तो दवा लेकिन मानसिक कष्ट का कोई दवा नहीं। इसलिए जो आदि दैवी देवता का द्वारा जैसे अभी कोरोना आएगी देखा ना, सबको घर में बंद कर दिया था है। इसलिए ये कोरोना की जो कभी कभी बाढ़ आ जाती है, अभी बंगाल में इतनी बारिश हुई सब जमीन जगह से भाग ले गया, कुछ दिन पहले सुनामी आई थी। इसलिए जितने दुख कष्ट है और एक जीव से जो दूसरे जीव का जो कष्ट है, कभी जितने सारे कष्ट है, अगर कोई ठाकुर जी के चरण में कोई शरणागत होते हैं सारे कष्ट उसके दूर हो जाएगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को जब कथा सुनाए, देखा गोलोक वृंदावन से रथ आया और श्री परीक्षित महाराज सुंदर एक गोपी रूप धारण करते हुए उन्होंने भगवान के चरण में गए। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कथाएं तो सुने, कथा की इतने महत्व। इसलिए उन्होंने ब्रह्मलोक में एक तराज लेकर के एक तरफ में जगत का जितने सत्कर्म है, दान पुण्य तीर्थाटन पुण्य, जितने पुण्य को तराजू का एक तरफ में रखे, तराजू का दूसरे तरफ में उन्होंने केवल भागवत कथा की महिमा को रखे। उन्होंने देखा जिस तरफ में भागवत कथा को महिमा रखे वो पत्थर के पत्थर जैसे जमा रहा और दूसरे तरफ में सारे पुण्य ऊपर उठ गया। समझ गए, भागवत कथा को सामने जगत का कोई भी पुण्य को ये भागवत कथा से आप बराबर नहीं कर सकते, इतने महिमा ये श्रीमद भागवत कथा की। प्रभु जी थोड़ा फिर थोड़ा फिर कीर्तन कर दो, फिर प्रभु जी कुछ बोलेंगे। बोले श्रीमद भागवत कथा मृता मकी सुखदेव गोस्वामी की, श्री परीक्षित महाराज की, श्री Yeah.
अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात श्री महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम अर्पण करता हूँ। परम सौभाग्य का दिन है, हम लोग महाराज जी के श्री मुख से अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। महाराज जी का आदेश हुआ है, उसी प्रसंग में मुझे कुछ श्रीमद् भागवत की महिमा को बताने के लिए जितने भी उपनिषद हैं, उन उपनिषदों के विषय में वर्णन है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनम पार्थो वत्स सुधीर गोप्ता उद्दम गीता मृतम महावीर। जितने उपनिषद हैं, लगभग 1100 उपनिषद हैं, उससे भी अधिक हैं, वो सारे उपनिषद गाए हैं, इस प्रकार से बताया। और उन गाय का दूध निकालने वाले देवता कौन है? गोपाल नंदन श्री कृष्ण। दूध उन्होंने दुहा, फिर दुह करके फिर किसको पिलाया? कहते हैं पार्थो वत्स, पार्थ जो है अर्जुन, वो वत्स है बछड़े। और दूध क्या है? गीता मृतम, जो गीता रूपी अमृत निकल रहा है वही दूध है। देखो यहाँ पर भी गीता को भी अमृत बताया। अभी हम लोगों ने श्रवण किया था, महाराज जी कह रहे थे भागवत भी अमृत है, किंतु कुछ तो वैसे ही होगा। जैसे अभी स्वर्ग के अमृत का और भागवत के अमृत का महाराज जी ने कुछ तारतम्य में बताया, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग है। उसी प्रकार से यहाँ जो गीता का अमृत बताया उसको लेकिन क्या बताया? दूध है, ये दूध निकल रहा है जो गाय का, वही है गीता का अमृत। वो गीता के अमृत में भगवान ने कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया, अष्टांग योग भी थोड़ा बताया, और उसके बाद में भक्ति योग भी बताया, चारों प्रकार के योग बताए। किंतु कुछ भी बात भगवान ने स्पष्ट रूप से नहीं बताई कि क्या करना चाहिए। कभी अर्जुन को कहते हैं तुम कर्म करो, कभी ज्ञान की बात करने लगते हैं। एक समय तो अर्जुन ही परेशान हो गए और कहते हैं प्रभु आपके ब्याह मिश्रित उपदेशों से मेरा मन तो भ्रमित हो रहा है, क्या करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अर्जुन भी स्पष्ट रूप से समझने में असमर्थ हो गए कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। और सारे जगत की भी ऐसी अवस्था है, इस जगत में हम देखते हैं जो लोग गीता पढ़ करके कहते हैं गीता कर्म का उपदेश देती है, कोई कहता है गीता ज्ञान का उपदेश देती है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो अमृत तो है किंतु वो स्पष्ट रूप से उस प्रकार से प्रकाशित नहीं हुआ। भगवान ने बड़े सार रूप में अमृत दिया उसे, क्योंकि जो गीता है उसके अंत में भगवान ने अमृत स्वरूप में बताया भक्त्या माम अभिजानाति यावान यच अस्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। ये सब बातें बताने के बाद केवल मात्र भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है जैसा मैं तत्त्ववत हूँ, इसके अतिरिक्त अन्य चीजों से नहीं जाना जा सकता। तो कहीं कहीं सूक्ष्म रूप में मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कृ, इस प्रकार से ये जो श्लोक है इसमें सार रूप में सब वर्णन है किंतु स्पष्ट रूप से भगवान ने बताया है। इसलिए अमृत है गीता का, किंतु उससे भी एक श्रेष्ठ और बात है। अब श्रीमद् भागवत के विषय में वर्णन आया है चार वेद दधी और भागवत नवनीत मथिलेन शुक खाइलेन परिचय। चारों वेद दही है। अब देखो दूध से फिर दही जमाते हैं, दूध का सार क्या हुआ? दही हुआ। फिर दही को मंथन किया जाता है, फिर उसका सार निकलता है, उसका सार निकलता है मक्खन। तो वही कह रहे श्री सुखदेव गोस्वामी ने उस दही को, चार वेद रूपी दही को मंथन किया और उसके बाद में मक्खन उसका सार निकाला, और जो सार है वही है श्रीमद् भागवत, और उसको सुखदेव गोस्वामी को खिलाया। और जो गीता का तारतम्य, जो गीता रूपी अमृत है, भागवत का अमृत है और स्वर्ग का अमृत है, अब देखो इनको एक एक करके तुलना करते हैं। स्वर्ग का अमृत इंद्र ने पी रखा है
देवताओं ने भी पी रखा है, किंतु फिर भी जब कोई असुर आ जाता है, जैसे बलि महाराज ने जब भृगुवंशी ब्राह्मणों की कृपा से बड़ी शक्तियां अर्जित कर ली, उनके लिए एक दिव्य रथ प्रकट हुआ, दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रकट हुए, और बलि महाराज ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, इंद्र को भगा दिया। अभी इंद्र अमृत पी करके बैठे, लेकिन फायदा क्या, घर से भगा दिए गए, दर दर फिर रहे, वहां पर भी फिर भी कष्ट है, अमृत पीने के बाद भी कोई निश्चिंत नहीं है, वहां पर सुख उनको प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए जो वहां का अमृत है उसका पीने का भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि देवता भी सब समय टेंशन में रहते हैं, ब्रह्मा जी भी परेशान रहते हैं बहुत अधिक। किंतु अर्जुन ने गीता का अमृत पिया, उससे उनके बहुत सारी समस्याओं का समाधान तो हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से समाधान नहीं हुआ। अर्जुन जो गीता के अंत में भगवान ने कहा, सर्व धर्मान प्रत्यजमाम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्वपापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शरणम, भगवान ने बोला सारे धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन ने कहा ठीक है, लेकिन उसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध में कई स्थान पर देखा जाता है अर्जुन फिर विचलित हो जाते हैं, कई स्थानों पर विचलित हो जाते हैं, अभिमन्यु की मृत्यु के समय हो गए, युद्ध के पश्चात भी हुए, इस प्रकार से कई जगह देखा जाता है। तो गीता का अमृत पान करने के बाद भी वो पूर्ण रूप से उस प्रकार से उनकी अवस्था नहीं हुई जैसी कि अमृत का वास्तव में होनी चाहिए। लेकिन अब परीक्षित महाराज ने जो अमृत पान किया, भागवत रूपी अमृत, उसकी महिमा देखो कैसी है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, गीता जहां पर खत्म हो जाती है वहां से भागवत शुरू होती है, और स्वर्ग के अमृत की तो कोई गिनती नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही बेकार है। इसलिए भक्तों को अगर वो दिया जाए तो भी उसको ग्रहण नहीं करते। भागवत में क्या वर्णन आया कि जैसे अभी बताया कि किसी के ऊपर मृत्यु की छाया बिल्कुल आ गई है, एक हफ्ते बाद उसको मरना है, काल सामने ही है, लेकिन परीक्षित महाराज को देखो किस प्रकार से वो भागवत कथा रूपी अमृत में आविष्ट हो गए कि उनको पता ही नहीं है कि तक्षक आने वाला है, क्या होने वाला है, मृत्यु आएगी, बिल्कुल समाधिस्त हो गए। समाधिस्त का अर्थ क्या होता है कि सारे के सारे जो उनके कष्ट हैं वो सब उनसे बहुत ऊपर उठ करके वो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो गए। ये भागवत रूपी अमृत की ये महिमा है। इसलिए जब परीक्षित महाराज को डसने के लिए तक्षक आया, उससे पहले ही वो बिल्कुल समाधिस्त होकर के आनंद से बैठे हुए थे, ये भागवत रस। इसके लिए ही जो अभी महाराज जी कह रहे थे कि स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्त्यत्र अयम रसा, ये स्वर्ग में भी नहीं है, सत्य लोक में भी नहीं है, ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी जब सृष्टि के कार्य करने होते हैं तो बहुत सारी परेशानी आ जाती है, तो दौड़ करके भगवान के पास जाते हैं, किंतु सबसे बड़ी परेशानी तो मृत्यु भी होती है, और परीक्षित के सामने वही है, किंतु परीक्षित महाराज को उस अवस्था में भी बिल्कुल गोपी भाव को प्राप्त हो गए और भगवान में समाधिस्थ हो गए। वैकुंठ के लिए बताते हैं, वैकुंठ में किस प्रकार से नहीं है कि जो श्रीमद् भागवत है उसके द्वितीय मंगलाचरण में श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, धर्म प्रोज्जित केतु मत्र परमो निर्मल सराणाम सता वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम ताप त्रयोन मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेश्वर सत्यो हृदय अवरुद्यते अत्र पृथ्वी सुश्रुषुभि तच्छदा। ये श्रीमद् भागवत है, इसमें एक धर्म का वर्णन किया गया, वो धर्म कैसा है, कपट से रहित है। अन्य अन्य सब पुराणों में कुछ कुछ कपट है, कपट का तात्पर्य क्या होता है इसको पहले समझना पड़ेगा। कपट का तात्पर्य है कि कुछ कुछ अपने स्वार्थ की कामना, निष्कपट का मतलब होता है केवल मात्र भगवान की सेवा की कामना। तो अन्य अन्य जितने भी पुराण है वो भले ही सात्विक पुराण क्यों ना हो, जैसे पद्म पुराण है उसमें बताया एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, ये पुत्र की प्राप्ति क्या भगवान के लिए होती है, ये तो अपने लिए होती है, इसलिए ये भी कपट है। किंतु श्रीमद् भागवत में ये सब धर्म अर्थ काम और जो चतुर्थ पुरुषार्थ जगत में कहा जाता है मोक्ष, उसकी भी कोई बात नहीं कही है। ये भागवत में जो धर्म है ये इन चारों कपटों से तो रहित ही है,
लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक और विशेष बात बताई कि विशेष रूप से कपट से रहित है। विशेष रूप से क्या मतलब है कि इसके ऊपर धर्म अर्थ काम मोक्ष के ऊपर होता है वैकुंठ, जहां से चित्त जगत शुरू हो जाता है। वो वैकुंठ में भी चार प्रकार की मुक्तियां होती है, सालोक्य, शास्त्रीय, सारूप्य और सामिक। कह रहे ये जो श्रीमद् भागवत का जो धर्म है ये उन चार मुक्तियों की भी बात नहीं करता। कल पूछा जाएगा तब। यहाँ पर केवल हम लोग कथा बोलने के लिए नहीं है, महाराज जी ने पहले ही बोला, तब लिख करके रखना। पूछेंगे भागवत की क्या स्पेशलिटी है, गीता के साथ में, स्वर्ग के अमृत के साथ में, और विशेष रूप से कपट से रहित होने का क्या मतलब है। जो भी बताया वैकुंठ में भी ये रस क्यों नहीं है, वैकुंठ को भगवान का धाम है। इसलिए यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि वैकुंठ में जो चार प्रकार की मुक्तियां हैं उनमें रस नहीं होता है। रस कब आता है? रस आता है जब सेवा प्रारंभ हो जाती है। इसलिए वैकुंठ में क्या होता है, ऐश्वर्य भाव होता है। वहां पर भगवान की ऐसे भगवान लेटे हुए अपना शेष सैया पर और लक्ष्मी देवी उनकी सेवा कर रही है, बाकी भक्त लोग दूर से ही हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम करके चले जाते हैं, लेकिन सेवा नहीं हो रही है। जो सेवा जब प्रारंभ होती है तब वो रस आता है और उसी रस के वशीभूत भगवान होते हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवत है इसमें वो रस है, वो रस अन्य कहीं पर भी नहीं है, यहाँ तक के वैकुंठ भी नहीं है, और वो उसके ऊपर जो रस है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है और उन कृष्ण की लीलाओं में भी सर्वोत्तम गोपियों का वर्णन है और उन गोपियों ने कृष्ण किस प्रकार से कृष्ण की सेवा की है, इतनी सेवा की कि कृष्ण खुद उनके वशीभूत हो गए, इसको रस कहते हैं। इसलिए हमको थोड़ा समझना पड़ेगा पहले कि भक्ति क्या है और भक्ति रस क्या है, दोनों एक चीज नहीं होती। नहीं तो ये श्लोक हम सारे जिंदगी याद करके बोलते रहेंगे कि ये रस तो वैकुंठ में भी नहीं है, लेकिन पता ही नहीं कैसे नहीं है वैकुंठ में। हम तो सोचते हैं वैकुंठ में तो भगवान रहते हैं, फिर वहां क्यों नहीं है रस, क्योंकि रस उससे भी बहुत ऊपर की वस्तु है। तब इस श्लोक का अर्थ वास्तव में क्लियर होगा कि ये क्यों कह रहे हैं कि ये जो भागवत रस है वो वहां पर भी नहीं है वैकुंठ में, वो उसके ऊपर से शुरू होता है जहां पर रस विचार प्रारंभ होता है, जहां पर सेवा होती है, और वो सेवा अपनी पराकाष्ठा को जब प्राप्त हो जाती है तो भगवान फिर भक्तों की सेवा करना प्रारंभ कर देते हैं, वो रस होता है। इस प्रकार का जो रस की बात है वो अन्य कहीं भी नहीं है। इसलिए ये भागवत की महिमा, इसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है कि कृष्ण किस प्रकार से कृष्ण अपने सखाओं के पैर दबाते हैं, किस प्रकार से कृष्ण अपनी जो गोपियां हैं उनके चरणों में अपना मोर पंख भी रख देते हैं, यशोदा मैया उनको कैसे बांध देती है, कैसे छड़ी दिखा रही है। अब बताओ वैकुंठ में कोई लक्ष्मी देवी छड़ी दिखा सकती नारायण को? छड़ी दिखा सकती कोई? कोई और वहां पर उनको नारायण को डंडा दिखा सकता है कि मैं तुम्हें पिटाई कर दूंगा? नहीं दिखा सकता। इसलिए कह रहा वहां पर भी रस नहीं है, रस तो बहुत ऊपर है। इसलिए ये जो श्रीमद् भागवत का रस जब श्री परिचित महाराज ने पान किया, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन किया, उसी से उनको गोपी भाव की प्राप्ति हुई कीर्तन से। श्री विष्णु श्रवणे परिचित भगवत व्यास की कीर्तन है, और परिचित महाराज को श्रवण करने से वो रस को और उनको वो गोपी भाव की प्राप्ति हो गई। जब दोनों रस में निमग्न हो गए तो किसी को पता ही नहीं है क्या समय चल रहा है, क्या काल चल रहा है, 7 दिन कब हो गए। इसलिए श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आया, तस्मिन महन मुखरिता मधुवी चरित्र पीयूष शेष सरित भरत स्रवंती ताम ये पिबंत अभित्रिशो नृपगाढ़ करणी स्थान शोक मोह भया। कि जो महापुरुष जो होते हैं, भगवान के परम भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, जो उस रस को जानने वाले हैं, जब वो भगवान की कथा रूपी अमृत की नदियां उनके मुख से प्रवाहित होती है, उस अमृत को जो निरंतर कान रूपी दोने में भर भर के पान करता है, उसको भूख शोक मोह भय कुछ नहीं लगता है। यही कह रहे थे, देखो इंद्र को भय है कि नहीं, अमृत पान करके बैठा फिर भी भय, लेकिन ये जो कथा अमृत पान किया परिचित महाराज को, उनका कोई भी भय नहीं है। अर्जुन को भी बताया कि बहुत सारी उनको भी बात बीच बीच में जब युद्ध होता है तो उनको भी बड़ी बड़ी परेशानियां होती है, किंतु परिचित महाराज के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये रस है भागवत रूपी रस, जिसको इस प्रकार से कोई आस्वादन करता है निरंतर, तो फिर उसको और कोई भी समस्या रह ही नहीं जाती जगत में। तो प्रश्न उठता है फिर हम लोगों का मन तो इधर उधर क्यों जा रहा है,
हम लोगों को तो फिर से अगले दिन भूख प्यास लगने लगती, बहुत से लोगों को प्यास लग रही हो, भूख लग रही हो। इसका कारण है, अभी महाराज जी से हम लोग श्रवण करेंगे, श्रोता और वक्ता दोनों उस कोटि के भी तो होने चाहिए। रस बनेगा कब, रस का आस्वादन कैसे होगा? जब दोनों बराबर के हो तब तो रस का आस्वादन होगा। एक है कोई बहुत बड़ा पहलवान वर्ल्ड का रेसलर, उसके सामने एक छोटे बच्चे को दे दिया, चलो दोनों में कुश्ती होगी, अभी कुश्ती में कोई आनंद आएगा क्या? कोई आनंद ही नहीं आ सकता। तो दोनों एक समान लेवल के जब होते हैं तब रस होता है। इसलिए श्रोता और वक्ता, श्रोता कौन है? श्री परीक्षित महाराज, जो कि सब कुछ भूल चुके हैं कि मेरा मृत्यु है 7 दिन बाद, राज्य है, इसकी चिंता है, इसको किसको दूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन संभालेगा, उनको कोई चिंता नहीं है। और बोलने वाले कौन है? परमहंस श्री सुखदेव गोस्वामी, जो सब समय भागवत रस में डूबे रहते हैं। इसलिए जब श्रोता और वक्ता दोनों उस प्रकार के होते हैं तब उसके लिए होता है कि वो रस की नदियां बहती हैं, और फिर उनको जो पान करता है उसको भूख शोर मोह कुछ भी नहीं लगता। हमारे प्रभु जी थोड़ी सी कथा सुनाएंगे। देखो ये पद्म पुराण में दो दो उसमें कथा आती है, एक तो होता है ज्ञान और एक वैराग्य, ये कैसे वृद्ध हो चुके थे, लेकिन ये इसको थोड़ा कम कर दो। लेकिन जब उन्होंने ये भागवत कथा सुने तो ज्ञान वैराग्य पूर्ण रूप में उनकी चेतनता आई। कैसे ज्ञान वैराग्य चेतनता आई हमारे श्री गौर सुंदर प्रभु ने सुनाई। हरे बंधु, अज्ञान निरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सती गौर भक्त वृंद। एक बार सभी मेरे साथ साथ बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब एक बार जोर से बोलिए, मैं तो बोल रहा हूँ, आप लोग की आवाज नहीं आ रही है, बोलिए एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आवाज नहीं आ रही है, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परमारण्यतम परिव्राजक आचार्य तरंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नदीलीला प्रविष्ट हूँ विष्णु पादष्टो दर्शक श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों का आश्रय लेते हुए समस्त श्रोत मंडली भगवत कथा प्रकाशु सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। हम लोग श्रवण कर रहे थे गुरुदेव के मुखारविंद से श्रीमद् भागवतम की महिमा, किस प्रकार ये भागवत ग्रंथ तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ होकर विद्यमान है। इसकी महिमा को आगे और वर्णन करते हुए श्री वेदव्यास जी ने पद्म पुराण के अंतर्गत भी महात्म में बतलाया है। एक समय श्री नारद जी भ्रमण करते करते जब बद्रिक आश्रम में पहुंचे तो उस समय पर उनकी भेंट चतुसन से हुई। चतुसन से मिलने पर उन्होंने प्रश्न किया, क्योंकि नारद जी बड़े चिंतित थे। नारद जी को देखकर उन्होंने कहा कि आप जैसे परमहंस संत यदि ऐसे चिंतित दिखेंगे तो फिर दुनिया वालों का क्या होगा, संसारिक लोग दुखी होते हैं तब तो संतों के पास ना आते हैं, और संत भी यदि मुंह फुला के बैठे रहे ऐसे आपकी तरफ बुतरा हुआ चेहरा तेजहीन होकर यदि बैठे रहे तो फिर संसारी लोग अगर जाएंगे कहां, तो आपके इस दुख का क्या कारण है बताओ जरा। तो उस समय पर नारद जी बतलाने लगते हैं कि देखो मैं सत्संग का प्रेमी हूं, सर्वत्र ब्राह्मण सर्वत्र भारत में भारत को सर्वश्रेष्ठ पुण्य भूमि जान के और मैं यहां पर आया, सारे तीर्थ स्थानों पर गया, सभी तीर्थ स्थानों पर जाकर मैंने देखा लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। देखा सारे पंडित सारे ब्राह्मण पाखंडी हो गए हैं, पाखंड निर्तो संता, और गृहस्थ लोगों के यहाँ जब आकर देखा तो वहां पर भी ऐसी है, शालको बुद्धिदायक प्रभुता तरुणी गृह है। कह रहे हैं भैया श्रीमती जी के आदेश पर घर चलते हैं, साले जी बुद्धि देते हैं, गृहस्थों की भी ऐसी दुर्दशा हो गई है,
तो गृहस्थ हो चाहे वानप्रस्थ हो चाहे तीर्थों में हो, मैंने जगह जगह पर भ्रमण किया। पुष्करम च प्रयागम च देवकी रावणम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, मैं सब जगह पर गया लेकिन फिर भी मुझे कहीं पर शांति नहीं मिली। मैंने सोचा वृंदावन धाम कृष्ण की जन्मभूमि है, उस जगह पर जाकर जरूर मुझे शांति मिलेगी। जैसे ही मैं वृंदावन धाम में पहुंचा तो वहां पर मैंने एक बड़े आश्चर्य चीज देखी। क्या आश्चर्य देखा? देखा एक तरुणी नव यौवन बड़ी सुंदरी दो वृद्ध वृद्ध पुरुषों के बीच में बैठ के और क्रंदन कर रही थी। मैंने उससे पूछा, काशी तुम क्यों रो रही हो, अपने कारण बताओ दुख का। तब वह तरुणी कहने लगी, अहम भक्तिर इति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। कहते हैं मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति इति ख्याता, भक्ति की क्या ख्याति है? कहते हैं भक्ति की यही ख्याति है कि वह सर्वत्र स्वतंत्र होके विराजमान है। भक्ति ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति ही एकमात्र इतनी शक्ति रखती है कि ठाकुर जी भी उसके वशीभूत होके और पीछे 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 चलते हैं। भक्ति कहने लगी कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, और ये वृद्ध कैसे हो गए? कह रहे हैं काल योगेन जर्जरो। तब बात आगे और वर्णन करते हुए कहती है, उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, द्रविड़ देश अर्थात दक्षिण भारत, वहां पर मेरा जन्म हुआ। वृद्धिम कर्नाटके गतः, कर्नाटका में जाके और मेरी वृद्धि हुई, और क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः, मैं आई जब धीरे धीरे महाराष्ट्र में तो वहां पर भी मेरा आदर सत्कार हुआ, लेकिन गुजरात में जाते ही मैं तो वृद्ध हो गई और मेरी ऐसी दुर्दशा हो गई कि वहां पर मुझे कोई पूछने वाला नहीं था। भक्ति, आप आज भी यदि दक्षिण भारत की ओर जाकर देखोगे वहां पर बड़े संस्कारी लोग हैं, माताएं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान ध्यान करके घर के आगे किस प्रकार रंगोली बनाती है, ठाकुर की सेवा करने के लिए पुष्प चयन करना, सुबह सुबह ही वहां पर बड़ा भक्तिमय वातावरण है दक्षिण देश में। क्यों? क्योंकि भक्ति का वहां से जन्म हुआ है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गतः, कर्नाटक आदि देशों में महाराष्ट्र में यहाँ पर भी भक्ति है, किंतु पूर्व समय में गुजरात एक ऐसा नास्तिक देश था कि वहां पर भक्ति को कोई मानता नहीं था, भगवान पर विश्वास करने वाले लोग बड़े कम थे। लेकिन आज यदि देखोगे तो गुजरात में बड़ी भक्ति है। जानते हैं इसका कारण क्या है? वहां पर बड़े बड़े संतों ने जन्म लिया। आप देखोगे तुकाराम वहीं से ही है, शिवल्लभाचार्य वहीं से ही है। तो कह रहे हैं भक्ति जहां पर संत साक्षात, संत कौन है? संत तो उन भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं, भक्ति उनके हृदय में नृत्य करती है। तो जिन संतों के हृदय में भक्ति साक्षात नृत्य कर रही हो उनके प्रभाव से सारा, कहते हैं जिस स्थान पर कोई संत यदि जन्म ले ले वो हाथ उठाकर यदि कीर्तन करता है तो उनको दर्शन करने वाले पवित्र हो जाते हैं, उनकी दृष्टि जितनी दूर तक पड़ती है वो पूरा ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है, इतने संतों की महिमा है। इसलिए गुजरात भी आज भक्तिमान होकर विराजमान है एकमात्र संतों के जन्म से। भक्ति मोदी जी भी कह रहे हृदय उधर के ही है। बड़े बड़े देखोगे पृथ्वी में, भारत में सबसे ज्यादा धन्यवाद देखोगे ना, कहां पर बड़े बड़े धनी है? अब देखो गुजरात में कारण क्या तुमको पता है? इसलिए इतने बड़े बड़े धनी कारण है, कहते लक्ष्मी कहाँ रहती है? लक्ष्मी रहती है ठाकुर जी के चरण में, इसलिए जहाँ भगवान की भक्ति पूजा हो ना वही लोग ही जब धनीवानी होते हैं। इसलिए वहां पर घर घर में तुलसी पूजा, ठाकुर की सेवा पूजा, घर घर में भक्ति करते हैं, इसलिए धन दौलत और सार तरह से समृद्धशाली स्तर शिक्षा देते हैं। अगर जो भक्ति करोगे ना घर में तुम माल लिया है ना देखो। तो भक्ति देवी कहती है उत्पन्ना द्रविड़े साहम, टीकाकार लोग इसके अर्थ करते हुए कहते हैं कि भैया द्रविड़ देश क्या है? किसी संत के मुखारविंद से भगवान का दिव्य चरित्र श्रवण करके जब हमारा हृदय द्रवीभूत हो जाता है तो उस द्रवीभूत हृदय में भक्ति का जन्म होता है। हम जब हरि कथा सुनते हैं, भगवान के दिव्य चरित्र का श्रवण करते हैं, उस समय में हमारे हृदय में भी भावना होती है कि हाँ भगवान का भजन करना चाहिए। तो ये भावना, ये सद्भावना जो है, ये सेवा वासना जो है, ये क्या है? यही तो भक्ति है। तो उत्पन्ना द्रविड़े साहम क्या अर्थ हुआ? कि हृदय के द्रवीभूत हो जाने पर भक्ति देवी का वहां पर प्रादुर्भाव होता है। और वृद्धिम कर्नाटके गतः, कर्नाटक में वृद्धि होती है, इसका क्या अर्थ हुआ?
कहते हैं इन कानों के माध्यम से जब हरि कथा पुनः 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 श्रवण करते हैं तो उसके श्रवण से ही एकमात्र भक्ति की वृद्धि होती है, उसके श्रवण से भक्ति बढ़ती है। इसलिए भक्ति ने जब अपना इस प्रकार परिचय दिया तो नारद जी समझ गए और नारद जी उनसे कहने लगे कि देखो अभी इस कलियुग के प्रभाव से तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है। भक्ति देवी कहने लगी कि वृंदावन में जैसे ही मेरा आगमन हुआ मैं तो तरुणी हो गई, मैं जवान होकर आपके सामने खड़ी हूँ, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, क्योंकि वृंदावन तो भक्तिमय देश है, वहां पर ज्ञान वैराग्य का कोई स्थान नहीं, इसलिए ज्ञान वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए। अभी की जैसी परिस्थिति है हमें समझना चाहिए, देखो अभी की भी ऐसी कुछ परिस्थिति है, लोगों के हृदय में भक्ति भावना तो बहुत है, पहले इतनी भागवत कथाएं भी नहीं होती थी, पहले इतने तीर्थाटन भी लोग नहीं करते थे, आज जिस तरह से तीर्थ स्थलों पर भीड़ रहती है, वृंदावन में जाओ बाकी बिहार के यहाँ पर कई लोग दिखेंगे, लेकिन हृदय में भक्ति भावना तो है, ज्ञान और वैराग्य का अभाव है। ज्ञान और वैराग्य बतलाया भक्ति के दो नए ने, नेत्र हैं, और नेत्रहीन भक्ति लोगों के शोषण का कारण बन जाती है। जब भक्ति नेत्रहीन होती है, जब ज्ञान नहीं होता, जब वैराग्य नहीं होता, उसी समय पर भक्ति का शोषण होता है। जो यथाकथित संत हैं, जो पाखंडी संत बनने का ढोंग करते हैं, वो ऐसे ज्ञान वैराग्यहीन व्यक्तियों पर ही तो टारगेट करके और उन्हें भ्रमित करते हैं। यदि हमें भी शास्त्रों का ज्ञान हो, यदि हम भी वैराग्यपूर्ण जीवन यापन करें, तो हमारी भक्ति को भी कोई ऐसे कर नहीं पाएगा, कोई उसका शोषण नहीं कर पाएगा, है ना। तो नारद जी बतलाते हैं कि कलयुग के आगमन से तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है। भक्ति देवी ने भी प्रश्न किया कि अरे कलयुग में यदि इतने दोष थे तो परीक्षित महाराज ने कलयुग को मार क्यों नहीं दिया। तब नारद जी कहते हैं यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत् फलम लभेत सम्यक् कलो एषव कीर्तना। कह रहे हैं सतयुग के अंदर जो तपस्या करने पर फल प्राप्त होता था, त्रेता युग के अंदर यज्ञ करने से, द्वापर युग के अंदर जो भगवान का अर्चन करने से प्राप्त होता था, वह फल कलो केशव कीर्तना केवल एकमात्र हाथ उठा करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कलो केशव कीर्तना, एकमात्र भगवान केशव के कीर्तन करने से ही वह फल प्राप्त हो जाएगा। कलयुग के अंदर यद्यपि बड़े दोष हैं, लेकिन भगवान का कीर्तन सर्वश्रेष्ठ रूप में विराजमान होके बस फल अनायास ही प्रदान कर देगा। इसलिए कलयुग की महिमा बताई। जब भक्ति ने अपने दुख का कारण जान लिया तो नारद जी की स्तुति करने लगी। जयति जगति माया यस्य काया धगस्ते जयति जगति माया यस्य काया धगस्ते वचन रचन मेकम केवलम चातुराय शुभ पदम पियातो यत्र पातो दुहोऽयम् शुभ पदम पियातो यत्र पातो दुहोऽयम् सकल वचन मेकम ब्रह्म पुत्रम् न चास्मि सकल वचन मेकम ब्रह्म पुत्रम् ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मपुत्र नारद जी, आपकी जय जयकार हो, आपकी जय हो। आपके वचनों पर विश्वास करके कयादु पुत्र प्रहलाद भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हो गया। अरे आप ही के तो वचन द्वारा ध्रुव महाराज दैदीप्यमान ध्रुव तारा होकर आकाश में विराजमान है। आपकी जय जयकार हो। आपने जिस प्रकार उन दोनों पर कृपा करी थी, मेरे पुत्रों पर भी कृपा करो, ज्ञान वैराग्य पर भी कृपा करो, इनकी भी जीर्णता दूर कर दो। उस समय पर नारद जी ने कहा कि देवी तुम चिंता मत करो, भगवान के चरण कमलों का स्मरण करो और उनसे ही तुम्हारा दुख दूर चला जाएगा। नारद जी ने वहां पर बड़े वेद पुराण इत्यादि गाना चालू कर दिए, खूब ज्ञान वैराग्य को चेतनता दिलाने के लिए इतिहास पुराण उपनिषद सभी सुनाए, लेकिन ज्ञान वैराग्य कोई उनके कानों में जू तक नहीं रहेंगे। बाद में गीता का उपदेश दिया, गीता का उपदेश देने पर थोड़ी चेतनता तो आई, लेकिन वो चेतनता स्थिर नहीं रही, पुनः वे मूर्छित हो गए। उस समय पर नारद जी चिंतित हो गए कि भैया मैंने तो सारे वेद पुराण सब सुना दिया, ये तो फिर भी होश में नहीं आ रहे। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा कि तुम कोई सत्कर्म करो। नारद जी विचार कर रहे भैया अब तक क्या कर रहे थे,
वेद पुराण ये सब अखान दिए, क्या ये सत्कर्म नहीं था? कहा कि संतों से प्रश्न करो, वही तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे। तो भ्रमण करते 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 जब नारद जी बद्रिक आश्रम में आए, चतुसंत से ही यही प्रश्न किया कि वह सत्कर्म क्या है, आप ही बतला दो। चतुसंत ने कहा कि बस इतनी सी बात, अरे आप श्रीमद् भागवत का पारायण करो, 7 दिन तक श्रीमद् भागवत श्रवण करवाओ, ज्ञान वैराग्य भक्ति मैया के साथ में काता थैया करके नाचेंगे, आप विश्वास करो मेरी बात पे। नारद जी कहने लगे कि भैया मुझे संशय है, क्योंकि भागवत क्या है, सर्व वेद इतिहासानाम सार सार समुद्रतम, सभी वेदों का सार ही तो भागवत है, और मैंने तो उनके सामने सारे वेद सुना दिए, तब भी उनको चेतनता नहीं मिली। वहां पर चतुसंत समझाने लगे कि नारद जी घी से दीपक जलता है, घी बना है दूध से, यदि आप विचार करो कि जलते हुए दीपक के अंदर हम घी की जगह दूध डाल दें, क्या काम बनेगा? यदि कोई विचार करे कि फल पेड़ से ही आता है, फल में जैसी मिठास है वैसे ही पेड़ की डाली में भी होगी, पत्ते में भी होगी, क्या उससे काम बनेगा? जैसे चीनी बनती है शक्कर गुड़ के रस से ही, चीनी बनती है गन्ने के रस से, लेकिन चीनी का काम चीनी ही करेगी, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम क्या है, निगम कल्पत और गलितम फलम, सभी वेदों का सार स्वरूप श्रीमद् भागवतम है, लेकिन जिस प्रकार दूध का काम घी का काम दूध नहीं कर सकता, जिस प्रकार फल का काम पेड़ नहीं कर सकता, उसी प्रकार जिस श्रीमद् भागवतम का कार्य ये वेदों द्वारा नहीं होगा, आप श्रीमद् भागवत का ही श्रवण करवाइए, उसी से उनको शांति मिलेगी। तब उस समय पर नारद जी ने चतुसंत को ही श्रीमद् भागवत सुनाने को कहा। सर्वत्र हल्ला हो गया कि चतुसंत कथा सुना रहे हैं, नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य चार वक्ता चार श्रोता। अगस्त ऋषि से तब रुका नहीं गया, उन्होंने सर्वत्र जाके घर घर में सभी को जाके निमंत्रण दिया कि सब चले आओ नारद जी कथा प्रारायण कर रहे हैं और चतुसंत स्वयं वक्ता है। सभी वहां पर पंक्तिबद्ध होकर बैठे हैं। वहां पर जैसे ही श्रीमद् भागवतम की महिमा सुनाना चालू किया, सदा सेव्याम श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम् समाश्रयेत्। श्रीमद् भागवतम सदा सेव्याम, भैया इसका भागवत का श्रवण करने के लिए विचार करो कि हम पंडित से मुहूर्त निकलवाएंगे उसके बाद में श्रवण करेंगे, कोई जरूरत नहीं। सदा सेव्याम दो बार कह रहे हैं कि भागवत श्रवण करने की वस्तु क्या है, हमेशा सब समय इसका श्रवण करो, और इसके श्रवण से होगा क्या, कहते हो वो चित्तचोर चित्त में आके चिपक जाएंगे और आपके चित्त को चुरा लेंगे। हरिश्चित्तम समाश्रय भागवत की बड़ी महिमा गाई, एकम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जित, अरे जिस प्रकार सिंह के नाद से भेड़िए कहीं दूर भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम के श्रवण मात्र से ही कलयुग दूर दूर तक भाग जाता है, उसका प्रभाव जीव पर पड़ता नहीं, श्रीमद् भागवतम ही मुक्ति प्रदान कर रहा है ऐसी घोषणा कर रहा है। जब श्रीमद् भागवत की ऐसी महिमा सुना रहे थे, एक आश्चर्य चीज देखी, भक्ति सुतो तो तरुणी ग्रहित्वा प्रेमे के रूपेण सहसा विराम, कह रहे हैं भक्ति देवी वहां पर ज्ञान वैराग्य के साथ में प्रकट हो गई, नृत्य करती करती श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदंती, भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन करते करते ज्ञान वैराग्य और भक्ति वहां पर उपस्थित हो गए, और नृत्य करते करते सभी से प्रश्न कर रहे हैं। श्री चतुसंत से प्रश्न किया, बताओ आप यहाँ पर देख रहे हैं सब पंक्तिबद्ध बैठे हुए हैं, हमारे लिए भी कोई स्थान बताओ। चतुसंत कहते हैं तुम जाकर सभी के हृदय में विराजमान हो जाओ, जिनके हृदय में भक्ति विराजमान है वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। चतुसंत वहां पर भागवत की महिमा सुनाते हुए कहते हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके वो भी इस पुण्य भारत भूमि पे यदि किसी ने श्रीमद् भागवत की श्रवण नहीं किया, कहते हैं वो पशु है, वो चंडाल कुल में उत्पन्न होने वाला पशु है, और खरवत उसे कहा वो गधा है, इसलिए श्रीमद् भागवत की बड़ी महिमा गाई। बोलो श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। तो श्रीमद् भागवत की ऐसी जब महिमा सुना रहे थे, ज्ञान वैराग्य भक्ति वहां पर उपस्थित होकर उनको भी नव यौवन प्राप्त हुआ है, इतना सर्वश्रेष्ठ ये भागवत ग्रंथ है। इसके आगे जो नारद जी ने प्रश्न किया, उस समय पर चतुसंत क्या बतलाते हैं,
हम आगे श्रवण करेंगे। मैं अपनी वाणी को यही बोल के विराम करता हूँ। भागवत कथा अमृतम की जय जय श्री राम। आज लगता है गलत समझ में ना, लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। देखो फिर इसमें और एक कथा आती है गोकर्ण और धंधु का, इस कथा को हम कल सुनेंगे। और ये कथा है कितने से कितने तक हो रही है बोलो, 4 से 7 तक। कल एकदम हम लोग कहीं तक कहेंगे, जब कथा करते हैं हम लोग 4-4, 5-5 घंटा कथा करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा लोग धीरे धीरे 7 हो गए, धीरे धीरे उठना शुरू कर दिया। इसलिए कल हम तो एकदम 4 बजे कथा एकदम प्रारंभ कर देंगे। 4 बजे से पहले 15 मिनट पहले हम कीर्तन शुरू कर देंगे और 4 से लेकर के 7 बजे तक हम कथा को विश्राम दे देंगे। और जब कथा है ना, पहले होती थी 4-4 घंटा, सवेरे 4 घंटा, शाम को 4 घंटा, और कीर्तन कुछ नहीं तभी किसी तरह से भागवत का विश्राम होता था। अभी तो 3 घंटा उसमें कीर्तन भी करते हैं, फिर तभी लोगों का अंदर में धीरज नहीं बैठने का। इसलिए कथा को हम यहीं पर विश्राम करेंगे। हाँ देखो कल सवेरे यहाँ पर 6:30 बजे आरती करेंगे हम लोग। आरती के बाद में भक्त लोगों का इच्छा है यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा, सवेरे तो भागवत कथा होगी और चैतन्य महाप्रभु कथा 7 से सवेरे लेकर 8 बजे तक थी। चैतन्य महाप्रभु कौन है, जगत में क्यों आए और उन भक्तों का चरित्र को कल हम लोग श्रवण करेंगे। इसलिए जब श्री भागवत ग्रंथों को जब उन्होंने गोकर्ण धुंधुकारी को उन्होंने सुनाए, लेकिन वहाँ पर तो बहुत लोग बैठे हुए थे कथा सुनने के लिए, लेकिन जब रथ आया ना, एक ही रथ आया, सबके लिए रथ नहीं आया। तब गोकर्ण ने पूछा यहाँ पर तो कथा सुनने के लिए बहुत लोग बैठे हुए, आप एक ही रथ क्यों लाए। बोले कारण है कि ये कथा सुन जो सुन रहे थे केवल एक व्यक्ति ध्यान से सुने, इसलिए कथा समाप्त के बाद में एक ही रथ आया। बोले दूसरे दूसरे लोग बोले ये ठीक से मन लगा के कथा नहीं सुन रहे, इसलिए इनके लिए रथ नहीं आए। इसलिए नियम है अगर मन को लगा करके अगर कथा सुनोगे ना, फिर तो हमारे लिए भी रथ आएगा, हम भी ठाकुर जी के चरणों को प्राप्त करेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात क्या जानते हो, हमारी जो कथा में ना विश्वास नहीं होता है, इसलिए उन्होंने पहला दोष बताए कथा कैसे सुननी चाहिए। विश्वास हो गुरु बाप के, विश्वास होनी चाहिए भागवत में। लेकिन आश्चर्य की बात है हमारे सिनेमा में विश्वास होता है। देखो मूवी देखो, सिनेमा है उल्टा पुल्टा चीज, गंदी चीज, एक मनमानी ढंग से एक सिनेमा बना दिया, 3-3 घंटा तक ना बैठ कर तक सुन देख लेते। लेकिन आश्चर्य की बात है हमारे ग्रंथ में भागवत पुराण में हमारी विश्वास नहीं होता है। इसलिए जो मूल वस्तु है ना भागवत में कथा में विश्वास होनी चाहिए, विश्वास गुरु वाक्य से। अगर आप विश्वास पूर्वक सुनेंगे तो फिर भागवत से हम जो कुछ मांगेंगे भागवत हमारी सारी इच्छाओं को जरूर पूरी करेंगे। बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की जय जय श्री राम। एक भजन सुन लो, आप लोग सब प्रसाद लेकर जाना ठीक है। सब एक बार खड़े हो जाओ, सब बैठ बैठ कर प्यार या
Thank you.
हरि चिंतामणि हरिरा